Okay, so the screen is visible to all? Yes, ma'am. Okay, so today we'll continue with our Unit 5, Part 2. And today's topics will be signal detection theory, subliminal perception, information processing approach, culture and perception, perception style, pattern recognition, ecological perspective on perception. So we'll cover all these topics today. These are very simple concepts. Theoretically, at times it may seem thoda sa difficult, but conceptually they are very, very simple and scoring concepts. Okay. So starting from the concept of signal detection theory. So this very concept, as the name suggests, signal detection theory. So at times what happens, we are not very sure of what decision to make. We are uncertain. Okay. And why that kind of uncertainty is there? Because the signals are not clear to us. जब हमें बहुत क्लैरिटी होती है किसी चीज की, किसी स्टिमुलस की, हमारा डिसीजन मेकिंग उतना ही क्लियर होता है. ओके, बट एट टाइम्स वी आर अनक्लियर, वी आर अनसर्टेन कि क्या डिसीजन लेना है, एंड दैट इज ड्यू टू द क्वालिटी ऑफ स्टिमुलस रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर डिसीजन इज फेंट, इज वीक. ओके, और जब वो फेंट सिग्नल्स होते हैं तो एट टाइम्स वी गेट कंफ्यूज कि हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए. ओके, फॉर एग्जाम्पल बहुत ऐसे जो जेन्युइन एग्जाम्पल्स हैं, जैसे विंटर्स में फॉगी स्ट्रीट्स होती हैं तो हमें लगता है कोई व्हीकल अप्रोच कर रहा है, नहीं कर रहा है. एट टाइम्स वी फील अरे बहुत दूर से व्हीकल आ रहा है, बट वो ड्यू टू फॉग इट इज अपियरिंग, बट द व्हीकल इज नियर बाय. एट टाइम्स वी कि अरे ये टू व्हीलर है कि ये कोई बहुत बड़ा व्हीकल है, बट अगेन बिकॉज ऑफ दैट फॉगी सिचुएशन द सिग्नल इज फेंट, एंड दैट इज वाई वी आर इन दैट अनसर्टेनिटी क्या डिसीजन लेना है. तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है ये, बट देर आर मेनी ऐसे रियल लाइफ एग्जाम्पल वेयर सच अनसर्टेनिटी इज बींग फेस्ड ड्यूरिंग डिसीजन मेकिंग. सो सिग्नल डिटेक्शन थियरी एक्चुअली टॉक्स अबाउट कि ये चीजें कैसे काम करती हैं. हमारे जब हम इस तरीके से डिसीजन लेते हैं तो व्हाट आर द फोर सिनारियोज विच आर पॉसिबल. ओके, क्या क्या हमारे फाइनल आउटपुट, फाइनल डिसीजन हो सकते हैं. बेसिकली इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, इट इज ऑल अबाउट जब हम रडार डिटेक्शन की बात करते हैं. ठीक है, जब सिग्नल्स डिटेक्ट होते हैं लॉन्ग लॉन्ग तार पे कम्युनिकेशन के लिए, लाइक फॉर वेरियस अदर पर्पसेस, इंडस्ट्री के लिए है, पायलट के लिए है, मौसम के लिए है, तो वहां से ये कॉन्सेप्ट इवॉल्व होता है बेसिकली. ओके, एंड वहां से साइकोलॉजी में भी फिर उसको ग्रेजुअली लाइक दैट कॉन्सेप्ट केम इन द फॉर्म ऑफ साइकोलॉजी एज वेल, सो दैट जब हम इसको ह्यूमंस पे अप्लाई करें, हमारे बिहेवियर पे अप्लाई करें, तब भी हम समझ पाए कि हाउ we detect signals, especially the faint ones. Okay, how this process take place. And the detection of stimulus mainly depends on two major things. Mainly, there are other factors also, but mainly it is about the intensity of the signal. Ki signal kis intensity ke saath aapke paas aa raha hai. Theek hai, again, jaise ki starting mein humne baat kari hai, ki jitna signal clear hota hai, utni hi aapko आसानी होगी डिटेक्ट करने में, राइट. सो इट इज अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल, बट ऑल्सो इट इज अबाउट योर फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल स्टेट. कैसे, अगेन जैसे कि हम कल भी वी वर स्टडिंग अबाउट मोटिवेशन, एटीट्यूड, ये सब कुछ हमारे परसेप्शन को इफेक्ट करता है. तो क्या ये हमारे डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट नहीं करेगा, क्या हमारे सिग्नल को परसीव करने की एबिलिटी को इफेक्ट नहीं करेगा, right? So if I'm not even interested in that particular signal or I have a backup plan, तो मैं उसको शायद perceive करने की कोशिश ही नहीं करूंगी, या फिर मैं खुद को force ही नहीं करूंगी उस uncertain situation में decision लेने के लिए until and unless required. तो मेरा sense of motivation, मेरा psychological state, मेरा cognitive ability,
ऑल दैट प्लेज अ रोल है, ठीक है. बट सपोज इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ मोटिवेशन इंटरनल और एक्सटर्नल एज वेल, मुझे कुछ आउटपुट कुछ मिल सकता है, एक्सटर्नल वैल्यू मिल सकती है उस सिग्नल के लिए, उस जवाब के लिए, उस डिसीजन मेकिंग के लिए, इफ आई कैन गेट सम रिवॉर्ड देन ओके. आर यू गेटिंग दिस थिंग, समझ आ रहा है अभी? Yes, ma'am. Okay, well, we are getting into detail, but abhi I was just trying to give some backup to it. Mm-hmm. Okay. So we'll continue with this and do ask me agar fir bhi agar kuch reh jata hai. So, this particular theory is an informative model to understand how human make decision. As I already told you, हम कैसे decisions लेते हैं जब हमें कोई sensory input मिलता है, उसके basis पे how we decide certain things. Okay, so this theory basically looks at human beings, how they make decision, and it depends on the strength of signal, and also my internal external motives, the confidence I have, the cognitive abilities I have, and all other things. According to Kelly and Han, in 2019, signal detection theory is used when psychologists want to measure the way we make decisions under conditions of uncertainty. ठीक है? Again, as I have told you, जब हम uncertain situations में होते हैं, sure नहीं हो पाते, उस situation में हम कैसे decisions लेते हैं? एग्जाम्पल के लिए अगेन एज आई सेड, फॉगी कंडीशंस में जब हमें क्लियर ही नहीं है कि कोई व्हीकल सामने से आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है तो कितनी दूर है, कितनी पास है, टू व्हीलर आ रहा है, फोर व्हीलर आ रहा है, एट दैट टाइम कभी कभी सही डिसीजन ले लेते हैं, कभी कभी गलत लेते हैं, बट देयर इज सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी, राइट. देखो ये सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी की अभी जितनी भी हम बात करेंगे और कर रहे हैं, इसमें जितने भी एग्जाम्पल्स अभी तक हमने of physical examples, it is less of the psychological uncertainty we are, matlab, I mean to say, it is not about your physical uncertainty, like career mein kya karna hai aur kya nahi karna hai, it is not about that abhi I'm talking about, theek hai? We are talking about the actual physical uncertainties which you can witness, jaise maine abhi foggy condition ki baat kari ya हम पायलट की बात करते हैं कि सिग्नल उसको मिल रहा है टार से, नहीं मिल रहा है, ठीक है, लैंडिंग करनी है प्लेन की, नहीं करनी है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट एक्चुअल सिनेरियोस, नॉट इनसाइड आवर माइंड कि हमें कौन सा करियर डिसाइड करना है, दैट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्चुअल फिजिकल अनसर्टेनिटीज विच वी फेस. ओके, अभी तक इज इट फाइन? अभी तक Yes, ma'am. Objective clear हो रहा है? Yes, ma'am. Okay. Ma'am, there is one thing. अभी lately, एक दो दिन पहले, my father had to travel to Allahabad. Yeah. तो उन्होंने एक ट्रेन की बुकिंग करी थी. उसकी जो टिकट्स हम लोगों ने बुक करी थी, वो वेटिंग में थी. Like the newly train वंदे भारत. If you have heard. Okay. Yeah. तो उसमें क्या होता है, उसमें जनरल टिकट्स नहीं मिलती, या तो आपकी कंफर्म 100% कंफर्म होगी, या फिर आपको मतलब वी हैव पेड द अमाउंट, और अगर आपका अमाउंट पे करने के बाद भी वो वेटिंग लिस्ट में रहता है तो आपको भी कंफर्मेशन नहीं मिलेगी, यू हैव टू मतलब पैनलटाइज होना पड़ेगा आपको. अच्छा, पैनलटाइज होना पड़ेगा? राइट. आई वाज थिंकिंग यू विल से कि वो रिफंड हो जाएगा. नहीं, वो रिफंड नहीं होता. तो अभी जब आपने बताया ना कि एसडीडी के सिग्नल डिटेक्शन की हमारे डिसीजंस कैसे लेते हैं, तो एट दैट टाइम लाइक 30-35 वेटिंग थी उस टाइम जब बुकिंग करी थी, तो माय फादर वाज लाइक कि नहीं, लेट्स डू दिस, अगर पेनल्टी होगी ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ठीक है. उन्होंने तो ये भी बोला था जो टिकट्स वाले काउंटर पे कि वो आपको अलाउ नहीं करेंगे बैठने के लिए, स्टिल ही वाज लाइक कि चलो लेट्स टेक अ रिस्क. So, is it signal detection theory? Is it all about how we make decisions under such circumstances? Yes, but in this scenario, it was very much calculative risk, mm-hmm. right? Mm-hmm. I mean,
मतलब अनसर्टेनिटी थी एंड इट वाज लाइक मच कैलकुलेटेड आल्सो कि ठीक है लॉस भी होगा तो देखा जाएगा राइट यस वी डू थिंग्स लाइक ऐसे ही ऐसे डिसीजंस हम लोग लेते हैं तो ये ठीक है साइकोलॉजिकल हुआ या फिर ये फिजिकल हुआ, अभी आप जैसे बोल रहे थे ना। हाँ देखो दिस वन सीम्स मोर लॉजिकल टू मी अभी के लिए फिजिकल हाँ, में इट इज मोर कॉग्निटिव रियल हुआ, हाँ ये कॉग्निटिव हुआ। हाँ हाँ दिस इज व्हाट आई एम सेइंग ना इट इज लेस फिजिकल एंड मोर लॉजिकल मोर कॉग्निशन इज देयर यस ओके, है इट्स ना जस्ट लाइक मी यू नो, जब हम ये डिस्कस या करते हैं दैट्स व्हाई आई डिस्कस। हाँ। फिजिकल में ना द सिग्नल इज एक्चुअल देयर इट इज अ फेंट वन बट इट इज देयर ओके अभी हम इसको थ्योरी को पूरा आगे समझते हैं तो मे बी यू विल गेट मोर ऑफ इट कि हाउ दिस इज वर्किंग ठीक है इट इज जस्ट अभी स्टार्टिंग तो विल गेट इनटू इट मोर अभी सो नाउ अभी हमने ऑब्जेक्टिव समझा बेसिकली हाउ दिस इज हैपनिंग कैसे कर रहे हैं इनिशियली हमने नाउ हाउ इट एक्चुअली वर्क्स सो व्हेन एवर वी हैव फोर पॉसिबल आउटकम्स ओके दैट इज अ डिटेक्शन वी आर ट्राइंग टू डिटेक्ट अ सिग्नल एंड विल से यस द सिग्नल इज देयर और विल रिस्पॉन्ड नो द सिग्नल इज नॉट देयर ठीक है बट सिचुएशन दो ही है हमारे पास सिग्नल या तो है या तो नहीं है ओके नाउ हाउ दिस एक्चुअली हैपेंस व्हेन द सिग्नल इज एक्चुअली देयर ठीक है एंड यू आर डिटेक्टिंग इट दिस इज अ सिनेरियो सिग्नल इज एक्चुअली देयर दिस प्रेजेंट यार सिग्नल इज देयर एंड यू आर एक्चुअली डिटेक्टिंग इट यू आर सेइंग यस इट इज देयर ठीक है तो दैट इज अ परफेक्ट हिट सिनारियो यानी कि सिग्नल है भी और आपने पहचान भी लिया दैट्स अ परफेक्ट हिट नाउ अनदर सिनारियो व्हेन सिग्नल इज नॉट देयर एंड स्टिल यू से सिग्नल इज देयर इट्स अ परफेक्ट इट्स अ मिस क्या हो रहा है मैम दैट इज फॉल्स अलार्म। एक हाँ आई वाज सेइंग द सिग्नल इज नॉट देयर मैंने पहले बोला सिग्नल है सिचुएशन वन सिग्नल है और हमने कहा सिग्नल है सिग्नल वाज एक्चुअली देयर देयर वाज अ सिग्नल ठीक है देयर वाज अ सिग्नल है यू डिटेक्टेड इट यू सेड यस देयर इज अ सिग्नल दैट वाज अ हिट बट वेन सिग्नल वॉज नॉट देयर स्टिल यू आर सेइंग द सिग्नल इज देयर दैट्स अ मिस मैम दैट इज फॉल्स अलार्म। दैट इज फॉल्स अलार्म यस फॉल्स मैम, अलार्म सिग्नल इज एब्सेंट बट द ऑब्जर्वर रिस्पॉन्डेड, सो इट्स ओवर डिड फॉल्स नॉट अलार्म। रिस्पोंड ओके 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 फाइन ओके सिग्नल इज प्रेजेंट एंड वेन वी आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू इट देन इट इज अ मिस ओके आई एम स्टार्टिंग इट अगेन सिग्नल इज प्रेजेंट एंड वी आर सेइंग यस इट इज देयर इट इज अ हिट ठीक है पहली सिचुएशन सिचुएशन टू सिग्नल इज देयर एंड वेन सिग्नल इज देयर ठीक है सिग्नल इज देयर एंड वी आर सेइंग नो सिग्नल इज नॉट देयर आई कांट सी एनी सिग्नल अभी मुझे तो नहीं पता चल रहा है दैट्स अ मिस ओके नाउ सिचुएशन टू व्हेन सिग्नल इज नॉट देयर एक्चुअली नॉट देयर सिग्नल इज नॉट देयर एंड आई एम सेइंग यस देयर इज सम सिग्नल दैट्स अ फॉल्स अलार्म ओके देन अगेन सिग्नल इज नॉट देयर एंड आई एम सेइंग इट यस इट इज नॉट देयर दैट्स अ परफेक्ट दैट्स अ करेक्ट रिजेक्शन कि सिग्नल नहीं था और मैंने पहचाना कि सिग्नल नहीं है जस्ट टेक फ्यू सेकेंड्स टू कॉम्प्रीहेंड दिस ऑन योर ओन आई एम हैविंग अ पॉज है एक बार जस्ट ट्राई टू कॉम्प्रीहेंड दीज फोर सिचुएशन इन योर माइंड
हाँ जी, इज इट फाइन टू एवरीवन? यस मैम. कोई डाउट है तो पूछो मुझे. नो मैम. एवरीवन? यस मैम. यस मैम. ओके, देयर इज एन एग्जांपल हियर आल्सो. सपोज देयर इज अ रेस गोइंग ऑन, एथलीट विल स्टार्ट द रेस व्हेन द प्लेयर विल लिसन टू द गन शॉट. ठीक है, गन शॉट पे दे ऑल हैव टू रन. Again, the you can fit the, all these four situation in into this situation, right? When the gunshot is actually given, actually there, and the participant ran after that, that's a perfect hit, right? But when the gunshot is not there, and somehow participant felt that gunshot was there and he started running, that was a false alarm, right? But when the gunshot was there, and the participant missed it, it was there, but participant somehow missed it and didn't run. That's a miss. And when the gunshot was not there, participant was alert and he knew that gunshot was not there and he chose not to run. That's a correct rejection. Is it fine to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this theory based upon several assumptions like ऑब्जर्वर्स आर बोथ सेंसर्स एंड डिसीजन मेकर, है ना. जो सिग्नल को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो उसको सेंस भी करेंगे सिग्नल को और डिसीजन भी लेना है. अभी एथलीट वाला एग्जाम्पल पढ़ा, तो दे विल सेंस इट ऑल्सो कि गनशॉट हुआ है कि नहीं थ्रू देयर इयर्स, एंड अकॉर्डिंगली दे विल मेक डिसीजन ऑल्सो. ओके, in making a decision regarding the occurrence of an event, an observer adopts a decision criterion. Ek minimum value wo log set karte hain ki kab hame ha bolna hai. To jab unko koi awaaz sunai degi to dil se yes. There is some minimum criterion, decision criterion. Whenever they listen to a gunshot, or ho sakta hai jab wo false alarm de rahe hain to unhone kuch aur awaaz suni ho aur usko misinterpret kar liya. To dil have something basic kuch criterion wo set karenge apne liye. Theek hai? So third thing, signal is never alone, it is embedded in some noise. Kyunki agar signal clear ho jata hai without noise hota hai tab to koi issue hi nahi hai decision lene mein. You will be able to take all the decisions, brain mein clear signal jayega if signal is clear, right? बट इफ देयर लॉट ऑफ नॉइज अलॉन्ग विद द सिग्नल, कंफ्यूजन है, आवाज क्लियर नहीं है, है ना. सपोज आई एम स्पीकिंग, आई एम टॉकिंग टू यू एंड देयर इज सम नेटवर्क इश्यू और मेरी आवाज आपको नहीं पहुंचती है. कभी कभी होता है ना, फोन पर हम बात करते हैं किसी से, आवाज क्लियर नहीं आ रही है हमें, बट स्टिल वी ट्राई समहाउ ट्राई टू कॉम्प्रीहेंड कि सामने वाला क्या बोल रहा है. एट दिस हैपेंस विद यू? Yes, ma'am. We somehow just manage कि हाँ थोड़ा थोड़ा करके कि क्या बोल रहा है, मतलब कुछ कुछ समझ ही लेते हैं. मैम एक क्वेश्चन है, यहाँ पर जो नॉइज है वो सिमिलर टाइप का सेंसरी सिग्नल को ही हम कंसिडर करेंगे ना. मतलब जैसे कि अगर हमारा जो सिग्नल है वो अकूस्टिक फॉर्म में है तो हम विजुअल स्टिमुलस को नॉइज नहीं कंसिडर करेंगे, सिर्फ जो एक्स्ट्रा अकूस्टिक स्टिमुलस है उसी को नॉइज कंसिडर करेंगे. हाँ हाँ राइट, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होएगा. ओके, जो एक सिमिलर एट्रीब्यूट है वही एक्चुअली में पोटेंशियल है नॉइज को क्रिएट करने का. क्रिएट कर, ओके मैम, है ना, अदरवाइज तो वी कैन डिस्टिंग्विश इट ना फिर. यस मैम. ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे कि जो भी सिग्नल है उसमें कहीं ना कहीं कुछ नॉइज अटैच्ड होता है ना. और अगर नॉइस नहीं होगा, क्लियर होगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो यहाँ पे क्लियर न्यूरल एक्टिविटी भेजेगा एंड विल सेंस इट इफ देयर इज सर्टेन नॉइस ऑफ कंफ्यूजन. अनसर्टेनिटी तभी क्रिएट होती है व्हेन सिग्नल इज फेंट. इट इज देयर बट इट इज फेंट. इट इज फेंट का मतलब है देयर इज सम नॉइस इनटू इट. लेकिन जब बहुत ज्यादा नॉइस हो जाता है, जब सिग्नल में बहुत ज्यादा नॉइस एडेड हो तो सिग्नल पता ही नहीं चलेगा. ठीक है, तो दैट इज ऑलमोस्ट नॉइस, कंप्लीट स्टेट ऑफ कंफ्यूजन. ठीक है, लेकिन जैसे मैंने बताया, अगर फेंट सिग्नल भी आ रहा है यानी कि थोड़ा नॉइज है,
एट दैट टाइम यू विल फेस डिफिकल्टी इन डिसीजन मेकिंग. ओके, सिग्नल तो आ रहा है बट फेंट है. दैट इज दैट अनसर्टेनिटी वाला स्टेट, डिफिकल्ट डिसीजन मेकिंग वाला स्टेट, जिसकी हम यहाँ पे बार बार बात कर रहे हैं. ओके, नॉइस को हम जनरली इसमें नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व की तरह ही देखते हैं, एवरेज्ड आउट थ्रू आउट. ठीक है, कोई भी इंसिडेंट जब हम जब इसको स्टैटिस्टिकली मेजर करते हैं तो एनीथिंग विल गिव अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. कोई भी क्राइटेरिया हमारे पॉपुलेशन में जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, तो वो सिमिलर पैटर्न्स हैपन विद नॉइस. ठीक है मैम, जैसे यहाँ पे लिखा है कि नॉइज इन द ब्रेन अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ ऑनगोइंग न्यूरल एक्टिविटी, तो यहाँ पर सिर्फ कोई मतलब हमारी इंटरनली न्यूरल एक्टिविटी है सिर्फ हम उसी को नॉइज कंसिडर करेंगे, या फिर जैसे मान लीजिए मुझे कोई सिग्नल डिटेक्ट करना है पर मैं ऑलरेडी बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं मेरे दिमाग में, तो हम उसको भी नॉइज कंसिडर करेंगे? यस, क्योंकि देखो वैसे हेयर, पर्टिकुलरली हेयर, नॉइस इज मोर ऑफ एक्सटर्नल वाला कि जो सिग्नल के साथ मिक्स होके आ रहा था. एज पर दिस थ्योरी अगर हम बात करें तो इट इज मोर ऑफ जो सामने से आ रहा है हमारे पास. ठीक है, लेकिन लेकिन दैट नॉइस विल एम्पलीफाई एज यू सेड, समथिंग इंटरनली इज ऑलरेडी गोइंग ऑन. हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि हम उनको भी लेके चल रहे हैं कि व्हाट आर आर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स व्हाइल डिटेक्टिंग द सिग्नल. यस मैम. ठीक है, तो दैट विल एम्पलीफाई दैट नॉइस. ठीक है, ओके मैम. होता है ना, जब हम ऑलरेडी किसी मेंटल कॉन्फ्लिक्टेड स्टेज में होते हैं तो हमें वैसे भी कोई सिग्नल पता नहीं चलता, सामने से भी आके कोई दे देगा तो भी नहीं मिलेगा. यस मैम. ठीक है, so when signal is present it has the effect of shifting the distribution upward along the scale of evidence variable. Perceptual sensitivity is independent of criterion the observer set. So yahan pe baat ho rahi hai perceptual sensitivity ki. theek hai, ki hum kitna kisi cheez ko kitna sensitively perceive kar pate hain ya kitni jaldi perceive kar rahe hain. सब लोगों का एक जैसा नहीं होता, इट इज सब्जेक्टिव इन नेचर. बहुत जैसे होता है ना घर में, मदर्स हमारी दे आर वेरी परसेप्चुअली सेंसिटिव, बहुत बहुत छोटी छोटी चीजें दे कैन नोटिस, है ना. मतलब उनको किचन में अगर कुछ जल रहा है उन्हें सबसे पहले पता चलेगा, हमें शायद बिल्कुल भी पता ना चले. दे आर परसेप्चुअली उन्हें पता चल जाएगा कौन आया है. दे हैव परसेप्शुअल सेंसिटिविटी. ठीक है, एंड दैट सेंसिटिविटी दे आर सेइंग कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द क्राइटेरियन द ऑब्जर्वर सेट, तो इट इज नॉट ऑलवेज बायस्ड इन नेचर. ऐसा नहीं है कि उन्होंने क्राइटेरिया सेट करा है इतनी आवाज आएगी तो ही ऐसा होगा. इट इज नॉट लाइक दैट. मतलब इट एट टाइम्स इट इज काइंड ऑफ एक इनेट एबिलिटी जैसा होता है ना, ऐसे भी काम करता है ये, बट इट इज अगेन सब्जेक्टिव इन नेचर. हम सबका सेम नहीं होता है, वी ऑल आर डिफरेंट इन दैट मैनर. नाउ कमिंग टू दिस पर्टिकुलर ग्राफ, आई वुड लाइक टू टेल फ्यू थिंग्स हियर व्हिच यू शुड नो. ओके, हम ये अभी हमने पढ़ा ना, जस्ट लाइक नॉइस इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो सिग्नल इज ऑल्सो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप समझते हो इन जनरल, बेसिक व्हाट इज इट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? एक पॉपुलेशन जो एवरेज, मतलब अगर क्लास में 100 बच्चे हैं तो आउट ऑफ 70 आर एवरेज. इसमें या तो कुछ बहुत इंटेलिजेंट होंगे या कुछ मतलब बिलो एवरेज होंगे. तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड जो एवरेज होगा, राइट, परफेक्टली फाइन. सो सिग्नल इज आल्सो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉइस इज आल्सो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट. ना तो वो एक्सट्रीमली क्लियर होगा ना वो एक्सट्रीमली बिल्कुल ही एब्सेंट स्टेट पे होगा, राइट. इट विल बी एवरेज्ड आउट. ठीक है, तो आप ये जो राइट हैंडेड आप ग्राफ देख रहे हैं, ये वाला जो आप
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देख रहे हैं, दिस इज रिलेटेड टू योर सिग्नल, एंड दिस लेफ्ट वाला जो आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देख रहे हैं, दिस इज रिलेटेड टू नॉइस. ठीक है, अभी इसको समझते हैं. ये नॉइस का कर्व है, यहां गया, यहां से यहां तक गया. ठीक है, ये सिग्नल की स्ट्रेंथ है, नीचे ये जीरो है, ये आपके पॉजिटिव में और जाएगा, ये नेगेटिव में जाएगा. ओके, सो व्हेन देयर इज लॉट ऑफ नॉइस, ये देख रहे हैं ये वाला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, तो व्हेन देयर इज लॉट ऑफ नॉइस, सिग्नल स्ट्रेंथ कम है हमारा. ठीक है, एट दिस टाइम व्हाट कैन हैपन, वी कैन ईदर रिजेक्टेड करेक्टली, सिग्नल तो है ही नहीं, है ना, और हम उसको करेक्टली रिजेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, दिस इज वन सिचुएशन. ठीक है, लेकिन सिग्नल था ही नहीं और हमने कहा है, सिग्नल था नहीं और हमने कहा है, दिस नॉइस कर्व इज देयर ना, नॉइस नॉइस नॉइस, ये पूरा नॉइस है, दिस रेड पार्ट इज ऑल नॉइस, बट स्टिल वी फेल्ट सिग्नल इज देयर बिकॉज ऑफ दैट नॉइस, बिकॉज ऑफ दैट कंफ्यूजन, हमें लगा सिग्नल है which was not there, so this was a false alarm state, this was false alarm as you can see this area. ठीक है, क्योंकि हमें लगा कि सिग्नल है, because ये सारा noise का ही part था which created that confusion that some signal is there and we choose that it is there but it was not there, that created false alarm state here. Then coming to this signal wala graph, signal wala normal distribution curve. Now, जब स्ट्रेंथ बहुत हाई है तब तो हिट है, स्ट्रेंथ इज वेरी हाई सिग्नल की, विल रेक्टिफाई इट करेक्टली दैट इट इज देयर, तो सिग्नल इज देयर हिट, राइट, बट व्हेन देयर इज लाइक इट इज मिक्सिंग विद दिस स्टेट, व्हेन इट्स स्ट्रेंथ इज लेस, है ना, सिग्नल है बट उसकी स्ट्रेंथ कम है, फेंट सिग्नल है, एंड वी आर डाउटिंग इट विद, नहीं अरे नहीं है यार, नॉइज है, सिग्नल नहीं है वो, एट दैट टाइम वी आर मिसिंग द एक्चुअल सिग्नल. ओके, दिस इज द सिनेरियो. नाउ दिस गैप एरिया, यू कैन सी दीज टू पिक्स बिटवीन द नॉइज एंड सिग्नल, दिस गैप एरिया इज रेफर्ड एज डी प्राइम, और इसको हम बोलते हैं सेंसिटिविटी इंडेक्स. That means signal sensitivity index. And this D prime is actually proportional to sensitivity of your signal. ठीक है, जितना आपका sensitivity होगा, जितना signal का sensitivity होगा, उतना this D prime value is high. Okay, it is the distance between these two peaks. जितना merging होती जाएगी उतनी sensitivity कम हो जाएगी ना, logically समझो इस चीज को, जितना नॉइज और सिग्नल वाले ग्राफ आपके मर्ज होंगे आपस में, ये पीक्स का डिस्टेंस कम होगा, उतनी क्लैरिटी कम होगी आपको, सेंसिटिविटी उतनी कम होगी, राइट और रॉन्ग, अगर ये ओवरलैपिंग हो जाएंगे, ये ग्राफ हम बात कर रहे हैं, नॉइज है और यही आपका वो भी है, सिग्नल भी है, इनके बीच में जितना ये ओवरलैपिंग बढ़ेगा उतना सेंसिटिविटी कम होगी ना आपकी सिग्नल को डिटेक्ट करने की. यस मैम, यस मैम. मैम सेंसिटिविटी से आपका मतलब है कि हमें उस चीज को महसूस करना कम हो जाएगा. हाँ, सिग्नल को, सिग्नल को पकड़ना कम हो जाएगा, वी विल बिकम लेस सेंसिटिव टू डिटेक्ट द सिग्नल ना. सिग्नल और नॉइज दोनों, हाँ, क्योंकि नॉइज और सिग्नल जितना ओवरलैप करेगा हम एक्चुअल सिग्नल पहचान नहीं पाएंगे ना. ठीक है, हमारी सेंसिटिविटी कम होती चली जाएगी उतनी. ठीक है, तो दिस दैट इज वाई ये जो ग्राफ के बीच का जो डिस्टेंस है इसको बोला गया है सेंसिटिविटी इंडेक्स. ठीक है मैम, उसके साथ साथ नॉइज भी तो हम नहीं सुन पाएंगे ना बराबर से. हाँ, तो वही ना, देयर विल बी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन ना उससे और ज्यादा, राइट. ठीक है, देन
मोर जब आई एम जस्ट शेयरिंग फ्यू टर्मिनोलॉजी अगेन आई डोंट नो एग्जाम में अगर ऐसा पूछ लेते हैं जब देन व्हेन देयर इज अ सिचुएशन व्हेन वी आर सेइंग यस टू एवरीथिंग लाइक इन दिस व्हेन वी आर सेइंग यस टू एवरीथिंग द ऑब्जर्वर इज सेइंग यस टू एवरीथिंग ठीक है तो इस ऑब्जर्वर को हम बोलते हैं यहाँ पे लिबरल द वन will say yes to everything. This is liberal state. And one who will say no to everything. बहुत ही cautious होके रहता है. No to everything. है या नहीं है? Confused है तो मना ही करेगा. ठीक है? No to everything. इसको हम बोलते हैं conservative. तो the one who will say yes is liberal and one who says always no is conservative here. So I'm just saying, sharing the terminology. इन केस एग्जाम्स में कभी कुछ पूछे ऐसा तो ठीक है तो ग्राफ वाइज भी अगर हम बात करें तो जितना ये नॉइज वाला एरिया है यहाँ पे ठीक है जहां पे ये नॉइज वाला एरिया है करंट रिजेक्शन का एरिया है ये एरिया किसका हो गया लिबरल की कंजर्वेटिव का लिबरल हाउ कम The person is rejecting it, whether it is हाँ correctly or not correctly. This हाँ area is of conservative. कंजर्वेटिव है ना? The हम्म। person is always saying no. And this particular अच्छा area is of liberal. Because the person is saying yes, it is there. अच्छा है ना? ठीक है Yes ओके बोला, हिट हो गया. Perfect fit. Yes बोला तो कभी फॉल्स अलार्म भी आ सकता है. But the person is saying yes always. Person is taking that chance. That is a liberal state. ठीक Okay. Another thing, something is left. हाँ, एक और चीज जो मैं यहीं पे शेयर कर लेती हूँ. Okay. There is one term, pay off matrix. इसी कॉन्सेप्ट में शेयर होता है पे ऑफ मैट्रिक्स. सो पे ऑफ मैट्रिक्स इज द रिवॉर्ड और पेनल्टी सिस्टम. रिवॉर्ड और पेनल्टी सिस्टम. अगर आपको आपके जवाब के लिए कोई रिवॉर्ड या पेनल्टी मिलने वाली है सही होगा दैट कैन इन्फ्लुएंस योर डिसीजन. एक होता है कि भाई इससे कुछ नुकसान नहीं होना है हाँ बोलो चाहे ना बोलो. एक है हाँ बोलोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा अगर गलत हो जाता है जवाब. इफ यू गिव अ फॉल्स अलार्म और इफ यू मिस द सिग्नल यू हैव टू पे सम पेनल्टी ऑल्सो. ठीक है दिस इज पे ऑफ मैट्रिक्स एंड दिस इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस योर डिसीजन. दिस इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस योर रिस्पॉन्स. ओके सो योर रिस्पॉन्स इज दैट. हाँ जी हम इसमें हम फिर ये भी कह सकते हैं ना इस सिनेरियो में पे ऑफ मैट्रिक्स में हमारा जो अटेंशन है वो फिर हम ज्यादा उसको अलर्टनेस बढ़ जाएगी हमारी राइट दृष्टि कह सकते हैं अलर्टनेस बढ़ेगी हमारी डेफिनेटली है ना. विल बी कॉशियस थोड़ा सा डिसीजन लेते वक्त यस मैम है ना. तो हमारा रिस्पॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस पे ऑफ मैट्रिक्स है ना. और यहाँ पे हमारा क्राइटेरियन शिफ्ट होने लगता है. जो सेंटर जो भी हम सोच के चल रहे हैं ना न्यूट्रल हमारा कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है दैट एक्चुअली शिफ्ट थोड़ा सा बिकॉज ऑफ दिस पे ऑफ मैट्रिक्स रिवॉर्ड और पेनल्टी सिस्टम. परसेप्शन चेंज हो जाएगा ना जवाब देने का आपका यस मैम है ना. क्या देना है क्यों देना है कितना फायदा कितना नुकसान द होल क्राइटेरिया विल शिफ्ट. ओके सो दीज वर फ्यू टर्मिनोलॉजी आई वॉज शेयरिंग. ओके नाउ एप्लीकेशन ऑफ सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी. स्टार्टिंग में बात करी थी सिग्नल्स को हमें डिटेक्ट करना होता है जब एक्चुअल एक्चुअल सिनारियो में जैसे कि डिटेक्टिंग द एयरपोर्ट बीकन ऑन अ फॉगी नाइट. इज दैट द फेंट लाइट ऑफ द टावर और नॉट.
ठीक है, जो लाइट आ रही है टावर से, देयर और नॉट, फेंट लाइट है, पता नहीं है टावर से आ रही है कि नहीं, या कोई रेडियोलॉजिस्ट जो एक्सरे फिल्म को इंस्पेक्ट कर रहा है एंड द पर्सन इज ट्राइंग टू सी इसमें जो इमेज दिख रही है वो ट्यूमर की है कि नहीं एक्चुअल में, ठीक है, या फिर इफ अ पर्सन हैज टू लाइक विटनेस ऑफ अ क्राइम सीन हैज टू चूज अ इस इनमें से कौन सा एक्चुअल में कल्प्रिट है, ओके द पर्सन हु इज एक्चुअली द कल्प्रिट, तो अब देखा था अंधेरे में थोड़ा झलक देखा था एंड पर्सन इज नॉट वेरी श्योर कौन सा है, वो डिसीजन उस वक्त लेना, ठीक है, या ड्राइवर ऑफ द कार इज एंटरिंग ऑन अ रैंप ऑफ अ बिजी फ्री वे, बहुत बिजी रोड है, बिजी हाईवे है और पता नहीं चल रहा है आगे ट्रैफिक है नहीं है, जाऊं इस रोड पे नहीं जाऊं, इस तरीके की और ये सारी चीजें है सिग्नल डिटेक्शन थियरी अप्लाई होता है यहाँ पे इन आर डेली लाइफ, ठीक है, तो ऐसे आई विटनेस आइडेंटिफिकेशन, स्पीच एंड लैंग्वेज परसेप्शन में हो सकता है, वेदर फॉरकास्टिंग में हो सकता है, ऑडियोमेट्री सुनने में, मतलब whether you have listened to something correctly or not, audiometry में, medical forensic sciences में, pediatric audiology में, ये सारे हमारे real life applications हैं signal detection theory के. Is it fine to everyone till here? Yes, ma'am. Okay. Now we are starting with another concept that is subliminal perception. Now, the term subliminal, subliminal perception. So, sub means below and this liminal, this is the threshold point. Subliminal perception, that means below the threshold. Now, threshold, you understand? Threshold se samajhte ho aap log? किसको बोलते हैं? No, I don't know. मैम threshold बताए थे आप, मैं भूल गई. मैम जहाँ पर एक उद्दीपक का अनुभव होने लगता है. उद्दीपक का अनुभव होने लगता है. और इसको कैसे और कैसे सिंपलीफाई करेंगे? मतलब मैम कि जहाँ पे एग्जैक्टली फील होने लगता है कि दिस इज द पॉइंट. मैम एक पॉइंट है जहाँ से कुछ चीज स्टार्ट हो रही है. स्टार्ट हो रही है और हम उसे राइट बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है कि हो रहा है वो. हाँ दैट मार्क है ना, दैट स्टार्टिंग मार्क, जब आप कुछ उस चीज को विटनेस कर पाओ, अवेयर हो पाओ उस चीज को लेके, है ना, परसीव कर पाओ उसको एक्चुअल में, दैट इज योर थ्रेशोल्ड पॉइंट, द अल्टीमेट एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड. पढ़ा है आपने? हैव यू हैव एनी आइडिया? आप बताए थे ना मैम, वही तो बोले, भूल गई मैं. एक मिनट हाँ, एंड लेट मी एड अ न्यू स्लाइड टू जस्ट टू रिवाइज फ्यू थिंग्स यहाँ पे सो दैट यू कैन गेट द कॉन्सेप्ट. लेट मी शेयर समथिंग. ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टाइमलाइन, ठीक है, यहाँ सिग्नल आता है, दिस इज योर सिग्नल. इन दिस फेज वी आर टॉकिंग अबाउट द सिग्नल इज कम्प्लीटली अनडिटेक्टेड. आपको सिग्नल जब बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, ये वो वाला फेज अभी हम बात कर रहे हैं. दिस इज दैट फेज, अनडिटेक्टेड सिग्नल. सिग्नल यू कैन नॉट डिटेक्ट इट, इट मे बी देयर बट वी कांट डिटेक्ट इट. ठीक है, सिग्नल है पर हम उसको पहचान नहीं सकते. ऐसा बहुत सारी बार होता है, लाइक वी हैव लिमिट सम सर्टेन लिमिटेशंस बीइंग ह्यूमन बीइंग्स, देयर माइट बी सर्टेन सिग्नल्स जो हमें नहीं परसीव होते, ठीक है, तो दिस इज अनडिटेक्टेड रीजन. देन हियर कम्स द रीजन ऑफ एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, जब आप किसी सिग्नल को एक्चुअली डिटेक्ट कर पाते हो. सपोज कोई फेंट वॉइस है,
ठीक है, वॉइस है, दूर दूर हो रही है, बज रही है, बट जब तक आपके कानों में नहीं पहुंच रही है तब तक अनडिटेक्टेड है. द मोमेंट यू गेट दैट वॉइस कंप्लीटली, यू हैव द स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड. दैट विल रीच एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड द मोमेंट यू स्टार्ट लिसनिंग टू इट. ठीक है, देन देर विल बी कम रिकॉग्निशन थ्रेशोल्ड. द मोमेंट यू रिकॉग्नाइज दैट साउंड, ओके, द मोमेंट यू विल गेट, यू विल रिकॉग्नाइज दैट साउंड, देन कम्स डिफरेंस थ्रेशोल्ड. द मोमेंट यू विल फील डिफरेंस, लाइक डिफरेंस इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड. आवाज आ रही थी, आ रही थी, आ रही थी, अचानक तेज हो गई. मतलब उस मोमेंट पे जब आपको डिफरेंस फील हुआ आवाज के अंदर, या आवाज का मोड बदल गया, ठीक है, तो वो दैट पर्टिकुलर डिफरेंस जिस पॉइंट पे फील हुआ आवाज के अंदर, दैट वाज डिफरेंस थ्रेशोल्ड. एंड फाइनली हेयर कम्स टर्मिनल थ्रेशोल्ड, द एंड पॉइंट, जब तक उस सिग्नल को आप समझ पा रहे हो, सुन पा रहे हो, उसके बाद वो फिर से अनडिटेक्टेड जोन में चला जाता है, क्योंकि हमारा लिमिटेड सिनारियो है भाई, हम एक लिमिट तक सुन सकते हैं. ऐसे ही हमारे विजन के साथ भी है ना, हम उससे पहले का देख पाते हैं ना उसके बाद का. वी हैव पर्टिकुलर रेंज जहां पे हम ये सारे काम करते हैं. जब हम डिफरेंस थ्रेशोल्ड की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, उसको हम वेबर्स लॉ भी पढ़ते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट डिफरेंस थ्रेशोल्ड, वी ऑल्सो कॉल इट एज वेबर्स लॉ. जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस की जब हम बात करते हैं ना, वेबर लॉ इज अबाउट जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस, एंड दिस जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टिमुलस विच इज कमिंग, द इनिशियल स्टिमुलस विच इज कमिंग. दिस इज योर वेबर्स लॉ ऑल्सो, डिफरेंस थ्रेशोल्ड. ठीक है, देर इज वन मोर लॉ है, लगे हाथ बता देते हैं ये, आई डोंट नो कब कहाँ रिपीट होती है चीजें. स्टीवंस पार लॉ, स्टीवंस पार लॉ, पावर लॉ सेज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल स्टिमुलस, कोई भी फिजिकल स्टिमुलस का जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड इज वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टिमुलस, प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस. तो मैग्निट्यूड ऑफ फिजिकल स्टिमुलस जो है, जो जो भी स्टिमुलस की वैल्यू है, एक्चुअल फिजिकल स्टिमुलस की जो एक्चुअल वैल्यू है, इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो हमें फील हो रही है. दैट इज पावर लॉ. भाई जितने उसकी फिजिकली वैल्यू होगी उतनी तो हमें फील भी होगी ना. So that is about intensity which we feel. Where is it? Intensity which we actually feel. ठीक है, that is power law simply. And उसके बाद एक आता है आपका यहाँ पे Fechner's law. These are quite overlapping. कभी कभी confusing हो जाते हैं, तो इसलिए एक ही सब एक साथ सब बता रही हूँ. Fechner's law is सब्जेक्टिव सेंसेशन. सब्जेक्टिव, वाई सब्जेक्टिव? बिकॉज हम सबके अलग अलग सेंसेशन भी हो सकते हैं ना. एट टाइम्स किसी को ठंडा लगता है, किसी को ठंडा नहीं लगता है. ठीक है, सब्जेक्टिव सेंसेशन की बात फेशनर्स लॉ में होती है, एंड दिस इज प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ स्टिमुलस इंटेंसिटी. यहाँ पे हम लॉग ले लेते हैं, बेस लॉग इज बेस ऑफ 10. तो जो भी वैल्यू होती है हम उसको आउट ऑफ 10 एक स्टैंडर्ड वैल्यू बना लेते हैं. तो लॉग ऑफ स्टिमुलस इंटेंसिटी पे सब्जेक्टिव सेंसेशन डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल रहता है बेसिकली, उसको हम फेशनर्स लॉ बोलते हैं. तो दीज आर थ्री लॉज वी हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग द थ्रेशोल्ड थिंग, एंड दिस वॉज द होल नंबर लाइन ऑफ थ्रेशोल्ड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड. अभी कोई डाउट है यहाँ पे?
मैम एक बार रिकैप हो सकता है इसका? रिकैप के लिए वेब थ्रेशोल्ड क्लियर हुआ पहले बताओ। फ्रेश बेसिक थ्रेशोल्ड क्लियर हुआ? व्हाट इज थ्रेशोल्ड? द मोमेंट यू विल डिटेक्ट एनीथिंग दैट इज द एक्चुअल एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। हाँ ठीक द है मोमेंट यू ओके रिकॉग्नाइज इट दैट इज योर रिकॉग्निशन थ्रेशोल्ड एंड द मोमेंट यू फील सम चेंजेस इन इट ओके जस्ट मैम नोटिसेबल डिफरेंस दैट इज डिफरेंस ओके थ्रेशोल्ड। ओके मैम यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल आप डाल सकते हैं कोई चीज का? किस में? डिफरेंस थ्रेशोल्ड में या ओवरऑल? ये पूरे कॉन्सेप्ट में पूरे वेबर्स लॉ कॉन्सेप्ट जो है। में ही हम लेके चल रहे थे, हम साउंड का एग्जांपल लेके चल रहे थे। ठीक है ठीक है हाँ ठीक है। आपका स्कूल का बेल रिंग होता है, ओके फाइन द मोमेंट यू विल गेट इट कि हाँ भाई लंच ब्रेक का बेल हो गया है दैट इज योर एब्सोल्यूट, मतलब द मोमेंट यू लिसन टू दैट साउंड एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। द मोमेंट यू विल रिकॉग्नाइज कि मेरे लंच बेल का बेल है दैट इज रिकॉग्निशन थ्रेशोल्ड। यस मैम ठीक है। द मोमेंट यू विल फील देर इज सम डिफरेंस इन द साउंड इंटेंसिटी, पता चले देर इज सम कुछ और इनका ट्रेडमार्क भी है कि वो बेल को 3 बार बजाएंगे 5 बार बजाएंगे एंड उसका इंटेंसिटी में कुछ अप एंड डाउन होता है एंड यू रिकॉग्नाइज दैट अप एंड डाउन इंटेंसिटी में। ठीक है दैट इज वेबर्स लॉ एंड जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस द मोमेंट यू फील देर इज सम डिफरेंस। RT is what, madam? RT is recognition threshold. Yeah. And D is difference threshold. Difference threshold. हम अपनी लैब्स में भी करते हैं, ये साइकोलॉजी की लैब्स में नहीं करते हैं, वेट के साथ भी। The moment you feel there is some, मैंने आपके हाथ में वेट रखा यहाँ पे 5 kgs, ठीक है 5 kgs वैसे मैं ज्यादा बोल गई हूँ बट स्टिल सपोज 1 kg है इधर एंड यहाँ पर भी हमने रख दिया है अभी 1 kg। अब 1 kg से मैं यहाँ पे आई एम इंक्रीजिंग दिस, यहाँ पे 1 kg है यहाँ पे आई एम इंक्रीजिंग योर वेट 1.1 1.2 1.3 एंड यू आर फीलिंग अरे दोनों सेम ही है राइट राइट बट देर विल बी अ पॉइंट 1.5 के बाद धीरे धीरे देर विल बी अ पॉइंट व्हेन यू विल फील हेवियर इन दिस हैंड ना थोड़ा सा। यस मैडम द मोमेंट यू विल फील हेवियर यू विल फील देर इज अ डिफरेंस दैट विल बी योर डिफरेंस थ्रेशोल्ड दैट विल बी वेबर्स लॉ। ओके मैडम गॉट ठीक है एंड द मैग्नीट्यूड ये बाकी सब लॉज हैं इन जनरल कि फिजिकल स्टिमुलस का जो भी वैल्यू है और जो हम फील कर रहे हैं वो दोनों प्रोपोर्शनल है। भाई जितना 1 kg है तो हमें फील भी तो उतना भारी होगा ना, ऐसा तो हो नहीं सकता 1 kg हाथ में रखो और आपको 500 ग्राम का फीलिंग आए राइट right? ये आप इसका बता रहे हैं ना स्टीवेंस पावर लॉ का राइट राइट ओके है ना। एंड फेचनर्स की बात करें तो वो सब्जेक्टिव सेंसेशन की बात हो रही है यानी कि आपका और मेरा सेंसेशन कैन बी डिफरेंट और बट स्टिल इट डिपेंड्स ऑन स्टिमुलस इंटेंसिटी पर हम उसको एक स्टैंडर्डाइज वैल्यू लॉग में कन्वर्ट कर देते हैं। लॉग इज आउट ऑफ 10 हम उसको एक वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू दे देते हैं। मैम जैसे अगर एक फीमेल ये है क्या बोलते सब्जेक्ट फीमेल सब्जेक्ट को दिया है सेम वेट में तो वो जल्दी से अपना डिफरेंस एक हद के बाद वो डिफरेंस थ्रेशोल्ड पहचान पाएंगे बट अगर मेल सब्जेक्ट को देते हैं दैट पर्सन इज मोर स्ट्रॉन्गर मतलब होता है ना कि जेंट्स का कुछ अलग रहता है। हाँ हो सकता है पॉसिबल yes. है तो उसमें फिर इट विल बी लाइक इट विल कॉल इट सब्जेक्टिव नो मैम ये सब्जेक्टिव होगा जाए माना जाएगा क्योंकि वही 1.5 किलोज में शायद उनको डिफरेंस नहीं महसूस हो रहा है मेबी सब्जेक्टिविटी आएगी। ओके ओके मैम राइट और इसमें भी लेकिन हम इसको लॉग में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं बिकॉज सब्जेक्टिविटी ठीक है अपनी जगह बट अगेन सब्जेक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि बहुत डिफरेंस आ जाएगा। ओके है ना मेरे और आपके परसेप्शन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा माइन्यूट चेंजेस हो सकते हैं होता है ना शुरू शुरू में जब हम काम करते हैं किचन में हमें कुछ सब कुछ गर्म लगता है ग्रेजुअली हम भी अपनी मम्मियों की तरह वी आर सो यूज्ड टू इट। यस मैडम ठीक है तो देर कैन बी सर्टेन चेंजेस बट देर इज अ रेंज तो उस रेंज को एक उसमें फिट करने के लिए लॉग लगा दिया है वहां पे वो फेशनर्स लॉ बन गया। ओके मैडम ओके ठीक है
यस मैम। और मैम ये जो नीचे था जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस डिफरेंस प्रोपोर्शनल टू इनिशियल इनका, स्टिम, हाँ, हाँ इनिशियल स्टिमुलस, दिस इज वेबर्स लॉ। दिस इज वेबर्स लॉ। ओके और मैम ये टीटी क्या है? टी ये दिस इज टर्मिनल थ्रेशोल्ड, द लास्ट पॉइंट, जब आपको कुछ सुनाई दे रहा है लास्ट पॉइंट, उसके जस्ट अगर थोड़ा सा वैल्यू और बढ़ा दूंगी तो अनडिटेक्टेड हो जाएगा। अच्छा अनडिटेक्टेड हो जाएगा, मतलब स्टार्ट भी अनडिटेक्टेड से एंड एंड भी अनडिटेक्टेड, हाँ, टर्मिनल थ्रेशोल्ड। ओके मैम, टर्मिनल, सो थ्री आपने बताया, वेबर्स लॉ, स्टीवेंस लॉ एंड फेचनर्स लॉ। फेचनर्स लॉ। ओके मैडम, ओके, नाउ कमिंग बैक टू दिस, सबलिमल परसेप्शन तो हमने बात करी। अब हम बात करें सबलिमल का मतलब, मैंने क्या बताया था, बिलो द थ्रेशोल्ड पॉइंट, यानी कि आप परसीव नहीं कर रहे हो एक्चुअल अवेयरनेस में, बट उस थ्रेशोल्ड से जस्ट पहले, जो अभी हम बात कर रहे थे ना एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड की, तो जस्ट बिफोर दैट एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड इज सबलिमिनल परसेप्शन, सबलिमिनल थ्रेशोल्ड पॉइंट, बिलो द थ्रेशोल्ड पॉइंट आई मीन टू से। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस में नहीं होता है, आपको पता नहीं चलेगा वो आवाज गई मेरे अंदर या मैंने कुछ देखा था, मतलब यू आर नॉट कॉन्शियसली अवेयर ऑफ दैट, बट इट इज स्टिल हैपनिंग, आपके कानों में वो जा ही रहा है, आंखों में वो जा ही रहा है। ठीक है, चलते फिरते हम एड्स देखते हैं, बैनर्स देखते हैं, हमें लगता है हमने उस एड पे ध्यान नहीं दिया, बट इट इज एंटरिंग हेयर, हम इंस्टा स्क्रॉल करते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स आर एंटरिंग हेयर कंटिन्यूअसली, एंड वी फील कि यार नहीं, हमने थोड़ी कॉन्शियसली डिसाइड किया था, यू आर जस्ट स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग। ठीक है, योर सोशल मीडिया, वहां पे आपने देखा कि एनीथिंग यू हैव सीन, कुछ खाने का दिख रहा है आपको उसमें, ठीक है, बहुत सारा खाना आता रहता है आजकल सोशल मीडिया पे, एंड थोड़ी देर बाद आपसे कोई पूछ रहा है आपको क्या खाना है, तो यू विल जस्ट से कि अभी रिसेंटली आपने उसमें पिज्जा देखा था, यू से पिज्जा। ठीक है, अब आपको तो लग रहा है आपने ऐसे ही बोला है, अपने मन से बोला है, बट हो सकता है इट कुड बी सबलिमिनल परसेप्शन, आपके अंदर धीरे से सरकाया गया है, वो परसीव तो किया है आपने, आपको लगा कि, बट वो हुआ है, इट इज जस्ट बिलो योर थ्रेशोल्ड पॉइंट एंड इट कीप्स एंटरिंग। ऐसा हम सुनते भी हैं, ऐसा हम देखते भी हैं, एंड थिंग्स डू एंटर आर माइंड एंड इट डू इन्फ्लुएंस अस। ओके, सो दिस हैपेंस, इसी के अंदर हम पढ़ते हैं मेयर एक्सपोजर इफेक्ट। ऐसा होता है ना, इनिशियली कुछ चीज हमें पसंद नहीं है, बट व्हाट पीपल डू, या जितनी भी एड इंडस्ट्री है, ये लोग भी क्या करते हैं, एक्सपोजर, बार बार वही चीज आपको दिखाएंगे, बार बार वही मैसेज आपको आएंगे, शुरू में आपको नहीं पसंद है, बट अब जब आपको जरूरत पड़ेगी ना कुछ ऐसी फैसिलिटी की, तो आप उन्हीं को अप्रोच करोगे, राइट? होता है ऐसा, एट आफ्टर सम टाइम यू, मतलब इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू लाइक देम और नॉट, बट समवेयर दे आर क्रिएटिंग देयर प्रेजेंस इन योर माइंड। होता है ऐसा, ओके, सो जब किसी चीज को रिपीटेडली एक्सपोज किया जाता है तो हमारा फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी कम होने लगता है, वी फील फेमिलियर विद दैट थिंग, और जो चीज हमें फेमिलियर लगने लगती है वहां हम कॉशियस नहीं रहते हैं, राइट? साइकोलॉजिकली दिस हैपेंस, लेकिन जब कोई नया नई चीज आती है तो वी टेंड टू बी वेरी वेरी कॉशियस, क्या है, कैसा है, कौन लोग हैं, क्या कराते हैं, चीट तो नहीं करेंगे हमें, बिकॉज वी आर नॉट फेमिलियर टू देम, दे आर न्यू टू अस, बट द मोमेंट नए नए आए हैं, लेकिन एक साल से दे आर कंसिस्टेंटली, दे आर पब्लिशिंग देयर थिंग्स, दे आर
प्रमोटिंग देयर एड्स एंड समथिंग, तो एक टाइम के बाद यू विल बिकम फेमिलियर विद इट, यू विल बी लेस कॉशियस विद इट, राइट? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. होल एड इंडस्ट्री वर्क्स ऑन दिस कॉन्सेप्ट. पूरा जितना एड इंडस्ट्री है हमारा इसी पे काम करता है. एंड इवन द मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, द पॉलिटिशियंस, वोटिंग स्ट्रेटजीज, ये सारी चीजें इस पे काम करती है. ओके, 1957 में जेम्स विस्रे वॉज देयर एंड ही क्लेम दैट ही इंक्रीज द सेल ऑफ कोला एंड पॉपकॉर्न इन न्यू जर्सी. कैसे? बाय फ्लैशिंग ड्रिंक कोक एंड ईट पॉपकॉर्न. होता है ना, हर हर सिनेमा में ड्रिंक को ईट पॉपकॉर्न, सारी पिक्चर्स ही ऐसी होती है, मूवी देखने की एड भी ऐसी आती है, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, उससे उनकी सेल बढ़ती है. एंड दिस एक्चुअली हैपेंस. अभी आजकल क्या चलता है, आजकल चलता है नेटफ्लिक्स एंड चिल. तो एवरीवन वांट्स टू हैव सम फूड और व्हाइल हैविंग मूवी, वो भी लेट नाइट, राइट? दिस इज समथिंग विच इज बीन क्रिएटेड. हमें रियलाइजेशन भी नहीं होता ये हमारे बिहेवियर में कहाँ से आ रहा है, but this is being created, है ना, and we are perceiving it. वो अंदर जा रहा है, enter कर रहा है और हमारे behavior को, हमारे psyche को change कर रहा है. Although researches कहती हैं कि ऐसे changes short-lived होते हैं, minor होते हैं, but still it's a very huge industry and it is affecting us a lot. Is it fine to everyone till here? Yes, ma'am. Short lived होते हैं, in the sense they can change any time. Yeah, they can change. Okay. ठीक है. Then we are coming to information processing approach to perception. This is very simple, I guess. पहले भी हम थोड़ा इसमें इसके बारे में बात कर चुके. So it is about कैसे information process होती है. Before like how we are perceiving it. So what's the process of being प्रोसेसिंग, कैसे एनकोड हो रही है, कैसे मेमोरी में जा रही है. तो हमने लास्ट कल क्लास में भी पढ़ा था, वी रेड अबाउट ब्रॉडबैंड फिल्टर थियरी ना, कि कैसे वो इंफॉर्मेशन को फिल्टर आउट करेगा, जो काम की ये चीजें हैं हम उसको ही अंदर लेके जाएंगे. ओके, तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच टॉक्स अबाउट द सिमिलर थिंग. इट डिपेंड्स ऑन दैट ब्रॉडबैंड फिल्टरिंग इन्फॉर्मेशन थियरी, दैट वी डू फिल्टर इन्फॉर्मेशन एंड वी पे अटेंशन टू अ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, दैट इन्फॉर्मेशन गोज टू आवर मेमोरी, वर्किंग मेमोरी, and then ultimately into long term memory, जहाँ पे वो permanently जाके store हो जाती है. Okay, after like lot of encoding and processing, ही information long term में जाती है, तो वो working memory में रहेगी. Okay, अगर मैं पूछूँ आपने कल क्या खाया था, तो you'll answer me from your working memory. It is still there in your working memory. Long term में कोई बचपन का incident पूछूँगी या कुछ learning बहुत पहले पढ़ी हो वो पूछूँगी, that is in your long term memory. ओके, सो आर कॉग्निटिव प्रोसेसेस जो यहाँ एनकोडिंग के वक्त हो रहा है, इट इंक्लूड हाउ वी आर थिंकिंग, हाउ वी आर परसीविंग टू इट. पुराने एक्सपीरियंसेस को लॉन्ग टर्म से ला के यूज करते हैं उस नई इंफॉर्मेशन को एनकोड करने के लिए. वी ट्राई टू रिमेम्बर इट, रिकॉग्नाइज इट, रीजन देने की कोशिश करेंगे. वी इवन हैव सम इमेजिनेशन और वी एट टाइम्स ट्राई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और वी हैव अ सेंस ऑफ जजमेंट और वी प्लान समथिंग टू. ठीक है, there are lot of cognitive processes going on. और जितना processing कहते हैं होता है, उतना information ज़्यादा time के लिए store भी होती है. Okay, तो किसी concept को हम बात करते हैं ना, जितना आप conceptually समझते हो या मेहनत लगाते हो किसी चीज को जानने या समझने में, वो उतना ही अच्छी storage में जाती है. किसी चीज को हम ऐसा shortcut वाले तरीके से करते हैं, तो वो information बहुत time तक यहाँ पे रहती ही नहीं है memory में, it fades away. ओके, क्योंकि एनकोडिंग कम हुई है, टाइम कम दिया है. सो दिस इज द सेंसरी इंफॉर्मेशन एंटरिंग द सेंसरी मेमोरी. जो अटेंड होगी वो इंफॉर्मेशन आगे बढ़ेगी, जिसको हम अटेंड नहीं करेंगे वो वहीं चली जाएगी. अटेंड होगी तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगी, जिसको हम वर्किंग मेमोरी बोलते हैं. वहां पर भी उस पर काम करते रहोगे, अगर सपोज आज जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो रिविजन करते रहो, अप्लाई करते रहो लाइफ में, तो इट विल बी मेंटेन, मेंटेनेंस रिहर्सल होगा उसका. ठीक है, और ग्रेजुअली जब उस इन्फॉर्मेशन को और अच्छे से एसिमिलेट कर लोगे, समझ लोगे, एनकोड करोगे, अप्लाई करोगे लाइफ में, वो ग्रेजुअली लॉन्ग टर्म में सेटल हो जाएगी जाके. वो कॉन्सेप्ट आपका लॉन्ग टर्म के लिए सेटल है. अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, लाइफ में अप्लाई करना सीख जाते हो, तो आज से 10 साल बाद भी आपको बुक नहीं खोलनी पड़ेगी कि ये कॉन्सेप्ट क्या था. ओके,
यू विल बी एबल टू ग्रास्प इट, यू विल एबल टू टेल इट टू अदर पीपल, राइट? दिस इज हाउ इट वर्क्स. शॉर्ट टर्म मेमोरी में जब हम उसको प्रोसेस कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को या समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए भी हम लॉन्ग टर्म से हेल्प लेंगे. वहां जो पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं बैकग्राउंड में, लाइक अगर हम कल की क्लास की बात कर रहे हैं तो आपका, ऑल्दो दैट इज नॉट वेरी लॉन्ग टर्म अभी, बट स्टिल अगर आपके, मैं बैचलर्स की बात करूं, आपने तब जो पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट वहां जब समझ आए होंगे, तो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अभी जो आप पढ़ रहे हैं. तो यू ऑफन रिट्रीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लॉन्ग टर्म टू अंडरस्टैंड दिस शॉर्ट टर्म थिंग्स. जो यहाँ पर अभी नई इन्फॉर्मेशन आई है उसको प्रोसेस करने के लिए, ठीक है. बट शॉर्ट टर्म मेमोरी में भी जिस इन्फॉर्मेशन को हम प्रोसेस नहीं करते हैं, इन्फॉर्मेशन को हम बार बार प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, रिविजन नहीं कर रहे हैं, आज पढ़ा कल छोड़ दिया, ठीक है, वो अनरिहर्स्ड इन्फॉर्मेशन वहां से लॉस्ट होनी शुरू हो जाती है, गायब हो जाएगी सब माइंड में, ठीक है. इवन इन लॉन्ग टर्म जब बहुत अनयूज इन्फॉर्मेशन होती है, रिट्रीव नहीं करी गई है, यूज नहीं हुई है कभी, वहां से भी इन्फॉर्मेशन लॉस्ट होने लगती है. दैट इज वाई हमें अपने बचपन की सारी बातें याद नहीं होती है. ओके हाँ जी, एनी डाउट टू एनीवन? नो मैडम. ओके, basic assumption of this model is information made available by environment is processed by a series of processing system, theek hai, ek step by step processing chalti hai uski, pehle aap attend kar rahe ho, information perceive kar rahe ho, short term mein ja rahi hai, encode ho ke long term mein ja rahi hai. These processing system transform or alter the information in systematic way. The aim of research is to specify the processes and structures that underline cognitive performance. ठीक है, तो हम रिसर्च किस चीज पे करते हैं आजकल? इसी चीज पे कि कैसे काम कर रहा है पूरा प्रोसेस, कौन से स्ट्रक्चर्स है हमारे माइंड में जो इस चीज को काम करते हैं, हमारा कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन कैसे काम कर रहा है, परफॉर्मेंस कैसे बढ़ रहा है. तो जो एआई का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, वो सारा इसी पे बेस्ड है. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन ह्यूमन रिजेंबल्स दैट इन कंप्यूटर्स. कैसे, आपको क्या लगता है कंप्यूटर और हमारे माइंड में क्या सिमिलैरिटी है? मेमोरी मैम. Mind and computer. Mind and computer. Memory and CPU. Store कर सकते हैं ना मैम? हाँ, हम भी स्टोर करते हैं इन्फॉर्मेशन, वो भी स्टोर करता है. प्रोसेसिंग में भी कंप्यूटर प्रोसेस इन्फॉर्मेशन एंड वी ऑल्सो प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, राइट? ठीक है, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, ये बताओ मुझे, माइंड और कंप्यूटर में डिफरेंस क्या है? वो भी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, वो भी स्टोर कर रहे हैं. कंप्यूटर इज मैन मेड, मींस ओके मैम, इसमें ये कह सकते हैं कि रिट्रीवल के टाइम पे माइंड हो सकता है प्रॉपर्ली ना रिट्रीव कर पाए, लेकिन कंप्यूटर कैन रिट्रीव वही एज इंफॉर्मेशन. प्रॉपर फॉर्मूलाज एंड टेक्नोलॉजी से बना हुआ है ना मैम, दैट्स वो. व्हाट एल्स, व्हाट एल्स? माइंड, इमोशन, इमोशनल थिंग्स, बट कंप्यूटर्स डोंट हैव. यस, इमोशंस की जब हम बात कर रहे हैं, विच प्लेज अ मेजर रोल इन आर डिसीजंस, है ना, इन आर परसेप्शन आल्सो, वो इमोशंस कंप्यूटर के पास नहीं होते हैं, राइट? राइट मैम. एनीथिंग एल्स यू कैन से? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग दो तरीके से होती है, एक होती है सीरियल प्रोसेसिंग, एक होती है पैरेलल प्रोसेसिंग. हमारा माइंड कैसे काम करता है आपको क्या लगता है? पैरेलल प्रोसेसिंग. विच वन? पैरेलल. यस, पैरेलल. हमें अभी तक अपना माइंड समझ में भी नहीं आया है, एंड इट डू लॉट्स ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग. एक साथ साइमल्टेनियसली बहुत सारी चीजें समझता है, वो हैंडल करता है. इट इज नॉट ऑलवेज सीरियल इन नेचर, यस और नो? यस मैडम. ठीक है, लेकिन जो कंप्यूटर है, इट वर्क्स ऑन कोड्स एंड कमांड्स, देयर इज सम सीरीज, देयर इज सम ऑर्गेनाइजेशन, राइट? मतलब इन दैट वे आर ह्यूमन माइंड इज मच मोर ग्रेटर देन अ कंप्यूटर, बिकॉज ह्यूमन माइंड हैज डिजाइंड अ कंप्यूटर ना.
ठीक है, तो ये सारा पैरेलल प्रोसेसिंग हमारा माइंड कर सकता है, कंप्यूटर नहीं कर सकता है. ओके, दीज आर फ्यू डिफरेंसेस. रेस्ट ऑल आर सिमिलर थिंग, जो जिस पे जिसके बेसिस पे हम एआई आजकल डिजाइन होता है सारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, एनी अदर एआई इंस्ट्रूमेंट्स, इफ वी टॉक अबाउट वीआर टेक्नोलॉजी, ये सब इसी बेसिस पे है कि बहुत जो सिमिलैरिटी हमें मिलती है हमारे माइंड और कंप्यूटर में, दैट इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर करेंगे, कैसे कोड करेंगे, कैसे बाकी चीजों से रिलेट करेंगे, ठीक है, तो वो सब हम इसी थॉट के, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कर पाते हैं, दैट ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच इटसेल्फ. ठीक है, तो वील ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. अपना ह्यूमन माइंड को हम कंप्यूटर से के थ्रू एनालॉग करके समझने की कोशिश करते हैं व्हाइल डिजाइनिंग ऑल दीज एआई थिंग्स. एज फार एज अटेंशन इज कंसर्न, अगेन ये हमने कल ही सारा डिटेल में पढ़ा है, सिलेक्टिव अटेंशन की हमने बात करी, कॉकटेल पार्टी फिनोमेना वी टॉक्ड अबाउट, अटेंशनल कैपेसिटी ऑल्सो वी टॉक अबाउट, कि हमारा कितना हम एक बारी में इंफॉर्मेशन अटेंड कर सकते हैं एक बारी में, है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल टास्किंग और नॉट यस्टरडे. ओके, सो वी ट्राई टू अटेंड इंफॉर्मेशन जो हमें जितनी चाहिए, जितना हम समझ सकते हैं विदाउट बींग ओवरलोडेड, है ना, जितना हम समझ सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, उतनी इन्फॉर्मेशन हम एक बारी में अटेंड कर लेते हैं. ओके, सो दिस वाज प्रोसेसिंग. मैम ब्रेक देना है, ब्रेक चाहिए. ओके, वी कैन हैव इट बट नॉट 15 मिनट्स, अभी चलेंगे. ओके, सो लेट्स हैव अ ब्रेक हियर, छोटा ब्रेक. हाँ, कितने बजे वापस आना है मैम? ओके, इट्स विल सी एट 7:25 पे मिलते हैं. चलो, ओके मैडम.
एवरीवन देयर ओके okay so let's start with culture and perception how culture is affecting one's perception so hamare culture ka like which cultural background we belong it also affects how we perceive things how we actually perceive any kind of information okay so how it actually happens for example you can see this humne ye kal padha tha muller layer illusion this particular illusion if we talk about so this actually depends on various cultures theek hai jaise ki the people who live in western side westerners which we call they lived in environment which has more of right angles theek hai unka jo environment hota hai it is more of right angle environment so they have tendency to underestimate the length of line right and that is why they used to face this kind of illusion more as compared to easterners theek hai to wo log western people they more tend to fall with this kind of illusion right because of their cultural environment is such that ki unko ye right angles perceive zyada hote hain length wise cheeze dikhti nahi hai on the other hand जो अफ्रीकन सब्जेक्ट्स थे देखा गया क्योंकि वो डेंस फॉरेस्ट में रहते थे है ना एंड दे वर इन हैबिट ऑफ सीइंग लॉन्ग ट्रीज वर्टिकली लॉन्ग ट्रीज सो दे हैव टेंडेंसी टू द लेंथ राइट सो इन दिस पर्टिकुलर पिक्चर यू कैन सी अगर आपसे पूछा जाए विच लाइन इज लॉन्गर दिस लाइन और दिस लाइन ओके सो अफ्रीकन सब्जेक्ट से भी जब पूछा गया दे सेड दिस लाइन दिस vertical line is longer than this slant this horizontal line and but actual mein dono lines equal hai right so this is again an illusion so the african subjects more fall more for this kind of illusion because unka jo environment tha wo is tarike ka tha jo is illusion ko jisne zyada support kiya okay so the like these were few studies based on illusion which was carried out by Siegel Campbell Hubbs-Watts jo determine karta hai ki culture ka bhi kaise role rehta hai different cultural settings ka hamare perception mein kya role rehta hai and there is another example and another set of studies which was carried out jahan pe ye dekha gaya ki again जो अफ्रीकन पीपल थे who had never seen any picture before had great difficulty in recognizing objects depicting in them and in interpreting depth cues like superimposition जैसे हमने कल बात करी थी जब हम depth की बात कर रहे हैं ठीक है गहराई को समझने की बात कर रहे हैं pictures उनको दिखाई जाती हैं जिसमें 3D images हैं but still detect तो कर पाते हैं but still उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उस तरीके के ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करने में उस डेप्थ को समझने में व्हाई बिकॉज उन्होंने उससे पहले कभी ऐसी पिक्चर्स देखी ही नहीं थी राइट ऑन द अदर हैंड जिन लोगों का ऑलरेडी प्रीवियस एक्सपीरियंस है अबाउट सच 3D पिक्चर्स दे कैन मोर इजीली परसीव इट एंड रिकॉग्नाइज इट ओके इट इज इजी फॉर अदर कल्चर पीपल who already have witnessed such things that pictures such depth objects to hamare culture ne hame kis cheezon ko leke familiar banaya even that influences our perception okay so it is again about our cultural experiences as well then again another set of study Nisbet ka isme naam aata hai kafi he talked about again eastern and western culture and he talked about individuality and the collectivistic thinking wala thing theek hai we all know western culture is more of individualistic in nature and easterners are more of holistic view hamara integrated ek collectivistic thinking rehta hai group thinking rehta hai holistic view rehta hai cheezon ko leke so we tend to understand things as a whole hamari tendency hai as eastern culture as we belong to eastern culture लेकिन हम वेस्टर्न वर्ल्ड की जब बात करते हैं तो वहां पे
अनकनेक्टेड थिंग, डिस्क्रीट चीजों, चीजों को अलग अलग टुकड़ों में ज्यादा देखा जाता है, समझा जाता है. ओके, डिपेंडिंग ऑन द कल्चर ऑफ ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड, राइट. बट हमारा बहुत ही होलिस्टिक व्यू है, हम चीजों को जोड़ के समझते हैं, रिलेशनशिप वाइज समझते हैं, हर चीज में कुछ कनेक्शन मेंटेन कर लेते हैं, राइट. तो अगेन इट इज हाइलाइटिंग द फैक्ट आवर कल्चर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसेस आवर सेंसेशन एज वेल एज परसेप्शन. ओके, इज इट फाइन टिल हियर टू एवरीवन? यस मैम. Okay, now we are moving towards various perceptual styles. This is very, very similar, very, very easy in fact. कि हमारे क्या-क्या perceptual styles होते हैं, कैसे-कैसे information को perceive करते हैं, and it depends on our senses. ठीक है? तो five senses तो हमें वैसे भी पता है, right? तो जब हम बात करते हैं visual की, तो it is about our vision. ठीक है? Oral, जो हम सुनते हैं, haptic. यानी कि टच, इंटरैक्टिव बातचीत करके, प्रिंट, रीडिंग, वॉट एवर वी आर रीडिंग लाइक द बुक मटेरियल और एनीथिंग वी आर बीइंग एबल टू रीड. इंटरैक्टिव हो गया काइनेस्थेटिक लाइक बॉडी मूवमेंट के थ्रू डांस कर रहे हैं या कुछ हम हैंड ऑन एक्सपीरियंस करते हैं जब किसी चीज का, उससे हम ज्यादा परसीव कर पाते हैं. ऑल्फैक्टरी, स्मेल करके सीखना चीजों को. ओके, कुछ लोग होते हैं ना खाना बनाने के बाद टेस्ट नहीं करते हैं, दे जस्ट स्मेल इट, दे नो हाउ द फूड शुड स्मेल, राइट. एंड वी ऑल आर समहाउ डिफरेंट इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स. मतलब किसी का कुछ ज्यादा हाई होता है, किसी का कुछ ज्यादा हाई होता है. लाइक आई माइट बी हैविंग विजुअल परसेप्शुअल स्टाइल. विजुअल में हमारा इमेजिनेशन भी आता है, हर चीज को इमेजिन करके पढ़ना और समझना. ठीक है, तो आई माइट बी हैविंग विजुअल वाला मोर, you might be having kinesthetic more, या किसी का oral ज्यादा होता है, किसी को सुन के ज्यादा याद रहता है, सुन के ज्यादा समझ में भी आता है. Every individual has that their specific perceptual style. ठीक है, और हम जब अपने particular perceptual style के through पढ़ते हैं, चीजों को जानते हैं, समझते हैं, तो it has a longer impact on us, और वो हमारी short term memory से ज्यादा फिर gradually वो long term में retain हो पाता है. जब उसको repeatedly expose करेंगे उस particular medium में, तो वो long term में जाके retain हो पाएगा. ठीक है, so these are like the modalities, print modality, जहाँ पे हम प्रिंटेड और रिटर्न वर्ड्स को पढ़ने की बात कर रहे हैं, समझने की बात कर रहे हैं. कभी कभी होता है ना, आप मुझे जैसे मेरे साथ एक्चुअली होता है, आप मुझे कितना भी बोल लो, बोल के समझाओ, बताओ, मुझ पे कम इफेक्ट पड़े. अगर मैं वही चीज खुद पढ़ू, रीड करूँ खुद से, या लिखा हुआ हो, मतलब मेरे आंखों के सामने हो, एक है आप मुझे समझा रहे हो, एक है इट इज देयर रिटर्न इन फ्रंट ऑफ मी, तो शायद मुझे रिटर्न वाला ज्यादा जल्दी समझ में आ जाए. मतलब आई हैव दैट टेंडेंसी. ठीक है, तो वो प्रिंट मोडालिटी है जहां पर हम रीड करके कॉन्सेप्ट को ग्रैप करना चाहते हैं. वी लव टू रीड बुक्स, जर्नल, मैगजीन और एनी प्रिंट प्रिंटिंग प्रिंटेड मटेरियल. ओरल, जहां पे वी क्या बोलते हैं, वी रिटेन इंफॉर्मेशन थ्रू लिसनिंग. कुछ लोगों को सिर्फ सुन के समझ में भी आता है और याद भी हो जाता है. लेक्चर्स, लेक्चर मेथड उनके लिए बहुत बेस्ट काम करते हैं. ठीक है, कैन दे कैन प्रोड्यूस सिंबल, लेटर और वर्ड बाय जस्ट बाय हियरिंग देम. सुनने से ही काम चल जाता है. दे लाइक टू टॉक, दे एंजॉय प्लेइंग डायलॉग्स, ड्रामास, म्यूजिक, है ना. सो इट इज द ओरल लर्नर. हैप्टिक इज टच करके, महसूस करके, हैंड्स ऑन करके, क्राफ्ट करके, है ना, डूडलिंग करके, पिक्चर बना के, ऐसे ज्यादा हमें समझ में आ रहा है चीजों को. या 3D इमेजेस को हाथ में हम, वी आर जस्ट क्रिएटिंग मॉडल ऑफ सर्टेन थिंग्स टू अंडरस्टैंड देम, दैट इज हैप्टिक मोडालिटी. देन इंटरैक्टिव, इंटरैक्टिव इज अगेन हैविंग डिस्कशन, इंटरैक्टिंग विद पीपल, बातचीत करना, क्वेश्चन आंसर सेशन करना, डिस्कशन कैरी आउट करना, ये इंटरेक्टिव मॉडलिटी है, लर्निंग का एक मेथड. काइनेस्थेटिक आई हैव टोल्ड अगेन, जहां पे पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है हमारी, लाइक डांसिंग. ठीक है, द होल बॉडी इज देयर इन्वॉल्व, जेस्चर्स, बॉडी जेस्चर्स, हाथ पांव हिलाना, बात करना, बात करते करते हाथ हिलाना, एवरीथिंग वर्क्स.
हैंड-ऑन एक्सपीरियंस जो हम कहते हैं, ठीक है, इट हेल्प्स अस टू कॉन्सेंट्रेट मोर, टू लर्न मोर बाय, कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग, पार्टिसिपेट करके लर्न करना, दैट इज काइनेस्थेटिक. एंड देन यू हैव ऑल्फैक्टरी, जहां पे विल स्मेल, विल टेस्ट, ठीक है, हम ज्यादा स्मेल पे यहाँ फोकस करते हैं और उनको पहचान पाते हैं. सबका ये सेंस स्ट्रॉन्ग नहीं होता है स्मेल करके भाप जाना चीज सही है खराब है, सब्जी स्मेल कर रहा है, होता है ना, कुछ लोग जाते हैं फ्रूट्स खरीदते हैं, फ्रूट्स भी वो कुछ लोग हैप्टिक होते हैं, जस्ट दे विल टच एंड दे विल फील इट, कुछ लोग स्मेल करेंगे एंड दे विल नो कि ये सही है, फ्रेश है कि नहीं है, राइट. तो दिस दैट विजुअल, यू नो, अगेन देख के जानना समझना. As I said, मेरे को लगता है I am more of visual because I have to see everything. और अगर नहीं, concepts जो मेरे mind में है, I'll create a picture out of it. Okay, for a better learning thing. तो वो pictures चाहिए मुझे, demonstrations, मुझे graphs चाहिए, मुझे imagination चाहिए, बहुत ज़्यादा vivid imagination. I'll create a picture out of it. ठीक है, हमें कुछ मतलब जिन लोगों को देख के ज़्यादा समझ में आता है चीजों को, vision के साथ. कॉन्सेप्ट कुछ लिखना है, कॉन्सेप्चुलाइज करना है, तो यू विल क्रिएट अ पहले पिक्चर इन योर मैप माइंड, लाइक माइंड मैप जैसा, एंड देन यू विल टॉक अबाउट डूइंग, देन यू विल एक्चुअली डू इट. ठीक है, तो वो विजुअल मॉडलिटी है. देन वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन, अगेन वेरी वेरी सिंपल सा कॉन्सेप्ट. यहाँ पे किसी भी पैटर्न को जब हम रिकॉग्नाइज करते हैं, उसकी बात कर रहे हैं, दैट इज पैटर्न रिकॉग्निशन. ठीक है, अब रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, रिकॉग्नाइज करने के लिए आपके मेमोरी में, लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहले से कुछ नहीं चाहिए. रिकॉग्नाइज तो तभी करेंगे ना जब पहले से कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस हो आपका. तो अभी कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है आपके पास, आपको लग रहा है देयर इज सम पैटर्न इन इट, यू विल ट्राई टू मैच इट विद ऑलरेडी विद इंफॉर्मेशन विच इज ऑलरेडी देयर इन योर लॉन्ग टर्म मेमोरी. अगर वो उसके साथ मैच हो जाता है तो यू विल रिकॉग्नाइज दैट पैटर्न कि ये क्या है, है ना. एंड दैट पैटर्न रिकॉग्निशन डिपेंड्स ऑन व्हाट योर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज, जो आपके पास नॉलेज या एक्सपीरियंस है उस पे डिपेंड करेगा आप पैटर्न कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं. ओके, सो फॉर एग्जांपल, आप जब हम छोटे बच्चों के साथ करते हैं ना, उनको बोलते हैं एबीसी सुनाना है आपको, राइट, या पोएम सुनाते हैं हम, पोएम की कुछ लाइन बोल देते हैं एंड देन दे कंटिन्यू इट. Why they will be able to continue? Because they recognize the pattern. कि आप क्या बोल रहे हो, क्या कह रहे हो. They have already have experience with it, and then they catch you, and then they start repeating it. और उसके आगे का भी वो बोल देंगे. Primer की तरह काम करेगा ये. ठीक है, तो it makes connection between your memory and information. Pattern recognition को मतलब recognize करने के लिए, identify करने के लिए. Okay, and then it also require repetition of your experiences. आपका जितना experience है उस चीज के साथ, उतना आपको आसानी होगी उस pattern को recognize करने में. Okay? और इस recognition में कौन सी memory सबसे ज्यादा use होगी, आपकी semantic memory. Semantic is जो meaning आप encode करते हो, that kind of memory जो subconsciously आपके अंदर चली जाती है. When you are not just interpreting it, you are interpreting that pattern and you are giving some meaning to it. Tabhi to us pattern ka koi matlab hai. So it is mostly semantic memory. The theory of pattern recognition talks about template matching. Template matching, as the name suggests, there is already one template in your mind, in your long-term memory, ek already set template hai. अगेन जैसे हमने पोएम की बात करी, तो वो पोएम ऑलरेडी इट इज देयर ना, स्टोर्ड देयर. और जब उस पोएम के फर्स्ट फ्यू लेटर्स वर्ड्स हमने बोले, तो वो उस टेम्पलेट से मैच कर गए, राइट. पांच छह पोएम बच्चे के माइंड में स्टोर्ड है. आप जो वर्ड्स बोल रहे हो, वो कौन सी पोएम से मैच कर रहा है, वही वाली पोएम तो वो पकड़ेगा, टेम्पलेट मैचिंग करेगा ना. और जिस टेम्पलेट को वो मैच करेगा, वो उसी पोएम को कंटिन्यू करेगा. आर यू गेटिंग दिस थिंग, यस और नो? यस मैम.
ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी दिया है ए ए ए, अब तीन अलग तरीके से ए लिखा है, बट अगेन चाइल्ड विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज दिस ना, ए पहचान तो लेगा, बट अगर जैसे बी दे देंगे तो उसको पता है ये बी इज नॉट ए, चाहे हम कितने भी पैटर्न्स बदल लें बट पता है ये ए ही है. ठीक है, तो दिस इज द टेम्पलेट मैचिंग वाला फिनोमेना. अनदर इज प्रोटोटाइप मैचिंग. अब ये क्या होता है, प्रोटोटाइप हमने पहले भी पढ़ा है, आई गेस थिंकिंग वाले क्लास में तब पढ़ा था. सो कैन यू एनीवन टेल मी प्रोटोटाइप क्या था, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ प्रोटोटाइप? हेलो, प्रोटोटाइप का क्या मतलब था? प्रोटोटाइप हम ये बोल सकते हैं लाइक अगर कोई हमें स्पेक्स पहनता हुआ दिखा तो वील अज्यूम दैट दैट पर्सन दैट गर्ल और बॉय मस्ट बी इंटेलिजेंट. दिस इज ओके समवॉट क्लोजर, बट एग्जैक्टली प्रोटोटाइप का क्या मतलब था? हमने पढ़ा था ना, बर्ड का एग्जाम्पल भी लिया था. थिंकिंग वाली क्लास में. व्हाट वाज दैट? कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं कुछ कॉमन फीचर के अनुसार. हाँ, तो प्रोटोटाइप क्या था? द बेस्ट एग्जाम्पल. बर्ड वाला मैम, बर्ड वाला क्या था? आंसर भी बोल चुकी हूँ मैं. प्रोटोटाइप का मतलब द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एनीथिंग. भूल गए मैम. मतलब मैम, मतलब वही ना कि भाई बर्ड बोला तो समझ जाएंगे कि टू विंग्स है, टू लेग्स है. हाँ, और एक पीक हाँ. है ना, उस पे हम समझ जाएंगे. हम एक स्पैरो को माइंड में रखते हैं, चाहे वो स्पैरो हो, सारी चिड़िया हमारे लिए बस वो स्पैरो के वही एक रहेगा. एक बेस्ट एग्जांपल हम सेट करके रखते हैं, दैट इज योर टेम्पलेट हेयर यहाँ पे है ना, बेस्ट पिक्चर एक सेट करके रखते हैं, उसी से सारी मैचिंग कर लेंगे. हमें नाम पता हो ना पता हो, लेकिन इतना तो पता होगा जो उड़ रहा है वो चिड़िया है. राइट, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव सामने अगर दिया है कि भाई ये इस मेल है ना, दैट इज प्रोटोटाइप. तो प्रोटोटाइप मैचिंग करके भी वी एट टाइम्स रिकॉग्नाइज सर्टेन थिंग्स. ठीक है, तो उससे हमारी परसेप्चुअल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने लगती है. वी ट्राई टू अंडर लाइक ग्रैब मोर थिंग्स. अब एनिमल्स हैं, हमें सारे एनिमल्स देखे भी नहीं है आज तक रियल लाइफ में, बट स्टिल वी हैव सम पिक्चर, एक प्रोटोटाइप है माइंड में एनिमल्स कैसे होते हैं, है ना. इफ वी विल सी एनी फोर लेग्ड एनिमल तो हम उसको वो क्या करेंगे, मतलब एक पिक्चर तो बनेगी कि एनिमल एटलीस्ट इंसान नहीं है, इतना तो होगा ना माइंड में, होगा कि नहीं? जीव जंतुओं के कैटेगरी में डालेंगे ना उसको अलग से. यस मैम, इतना तो होगा राइट. ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी आती है. इससे हमें हेल्प भी मिलती है, डेफिनेटली बहुत बार हेल्प मिल जाएगी. जैसे मैंने बोला, कोई भी पंछी ऊपर उड़ रहा है, हम जरूरी नहीं है उसे पहचानते हो, बट एटलीस्ट वी कैन रिकॉग्नाइज कि वो पंछी है. ठीक, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है एट टाइम्स, क्योंकि जब हम स्पेसिफाई नहीं कर पाते हैं, है ना. जैसे कि यहाँ पे भी दिया है, डॉग्स है, वुल्फ है, फॉक्स है, ये सब देखने में ऐसा लगेगा एक जैसे हैं, मतलब दे आर डिफरेंट एनिमल्स, बट हो सकता है हम इन सबको डॉग की कैटेगरी में डाल दें, टाइप ऑफ डॉग्स. दैट इज एन इशू हियर, हम सबको ही एक ही कैटेगरी में डाल देते हैं, बट एट टाइम्स इट हेल्प्स, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, लॉन चेयर है, बच्चे ने पहली बार देखी है लॉन चेयर भी कुछ होती है, राइट, बट स्टिल द चाइल्ड विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज इट कि एक चेयर है एटलीस्ट, क्योंकि उसने चेयर तो देखी है ना, उसको पता है चेयर किस काम के लिए होती है, उसकी फोर लेग्स होती है, उस पर बैठते हैं, और लॉन चेयर पे भी क्या है, सब बैठेंगे, तो ये एटलीस्ट चाइल्ड कैन रिकॉग्नाइज कि ये
चेयर का ही डिजाइन है, प्रोटोटाइप मैचिंग की वजह से, राइट? ठीक है, दैट इज अनदर थियरी हेयर. नाउ कमिंग टू इकोलॉजिकल मॉडल ऑफ परसेप्शन, दिस इज द लास्ट टॉपिक वी आर हैविंग, एन वेरी वेरी सिंपल टॉपिक. ठीक है, दो चीजें हम बात करेंगे इसमें, टॉप डाउन और बॉटम अप. पहले पढ़ा भी होगा आपने. तो हेयर वी टॉक अबाउट द रोल ऑफ एनवायरमेंट ऑल्सो. इकोलॉजिकल मॉडल यानी कि परसेप्शन में हमारे एनवायरमेंट का क्या रोल है. ओके, ये गिब्सन ने, जेम्स गिब्सन ने इस पे ज्यादा स्ट्रेस आउट किया था कि देयर इज ऑल्सो रोल ऑफ एनवायरमेंट. इट इज नॉट, मतलब गिब्सन का कहना ये था, इट इज नॉट अबाउट कि आपका इंटरनल क्या चल रहा है, इंटरनल क्या मोटिवेशन है. ही फोकस मोर ऑन द डायरेक्ट परसेप्शन एंड द परसेप्शन ऑफ द एनवायरमेंट. जो भी आप देख रहे हो, जो सेंस कर रहे हो और जो एनवायरमेंट है उसके इर्द गिर्द, उस पर ज्यादा डिपेंड करता है कि आप क्या परसीव कर रहे हो. तो ही टॉक्स अबाउट डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ थिंग्स फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट. दैट इज वाई ही टॉक्ड अबाउट दिस इकोलॉजिकल रिलेशनशिप, इकोलॉजिकल मॉडल. ओके, तो सो इनडायरेक्ट परसेप्शन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था गिब्सन के हिसाब से. देयर इज नो रोल ऑफ कि आप अंदर से क्या चल रहा है, हाउ यू आर परसीविंग थिंग्स फ्रॉम इनसाइड. बाहर जो है एनवायरमेंट में उसी को आप एज इट इज परसीव करते हो. तो ही टॉक्स अबाउट डायरेक्ट परसेप्शन. ओके, और इसको हम रिडक्शनिस्ट अप्रोच भी बोलते हैं. व्हाट वी कॉल इट, वी ऑल्सो कॉल इट रिडक्शनिस्ट अप्रोच. व्हाई? क्योंकि वो एनवायरमेंट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं. एनवायरमेंट पे फोकस करने का मतलब है हम हर नुएंसेस पे फोकस करेंगे उस इंफॉर्मेशन के. क्या है फिजिकली, क्या है वो इंफॉर्मेशन, फिजिकली नेचर क्या है, कलर क्या है, शेप क्या है, किस एनवायरमेंट में आपने उसको देखा है, ऑल दैट इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस योर परसेप्शन. ओके, सो अकॉर्डिंग टू हिम परसेप्शन इज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आउटसाइड एंड नॉट ऑन द सेंसेशन गोइंग इनसाइड. आउटसाइड से ही डिपेंड करता है इनसाइड क्या सेंसेशन जनरेट होगी आपके माइंड के अंदर, ब्रेन के अंदर. ओके, सो वी हैव दीज बॉटम अप एंड टॉप डाउन अप्रोचेज हियर. बॉटम अप अप्रोच एंड टॉप डाउन अप्रोच. बॉटम अप वॉज गिवन बाय गिब्सन इन 1966 एंड टॉप डाउन थियरी वॉज गिवन बाय ग्रेगरी इन 1970. दीज बोथ दीज अप्रोचेज आर रिवर्स इन नेचर. ठीक है, ब्रीफली इफ आई से बॉटम अप एंड टॉप डाउन. ठीक है, जब हम बात कर रहे थे अभी एनवायरमेंट की, तो जब आप इंफॉर्मेशन को जो स्टिमुलस है डायरेक्टली बाहर एनवायरमेंट से, इंफॉर्मेशन कहाँ जा रही है, इट्स गोइंग टू योर ब्रेन एंड वी आर फोकसिंग हियर. ठीक है, दिस इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन द स्टिमुलस इन द एनवायरमेंट एंड ऑल दैट इंफॉर्मेशन विच इज बीइंग देयर. डायरेक्ट परसेप्शन की बात हो रही है. ठीक है, दिस विल बी योर बॉटम अप अप्रोच. बॉटम अप, बाहर से अंदर ले रहे हो ना. अप इज योर ब्रेन, बॉटम इज योर द एनवायरमेंट. वहां से इंफॉर्मेशन ऊपर की तरफ आ रही है, दैट इज बॉटम अप. ठीक, टॉप डाउन व्हेन वी से हमारे ब्रेन के अंदर ऑलरेडी जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस चल रहे हैं ना, दैट इज गोइंग टू डिसाइड कि हम क्या परसीव करने वाले हैं. दैट मीन्स टॉप डाउन हमारा परसेप्शन किस पे डिपेंड हो रहा है, ऑलरेडी इंटरनल क्या चल रहा है हमारे ब्रेन के अंदर, इंटरनल कॉग्निशंस, इंटरनल प्रोसेसेस अबाउट इंटरनल मोटिवेशंस और एवरीथिंग. दिस इज इनडायरेक्ट परसेप्शन, दिस इज नॉट डायरेक्ट इन नेचर, इनडायरेक्ट, एंड वी कॉल इट एज टॉप डाउन अप्रोच. ओके, सो व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, दिस इज बॉटम अप. जो दिखता है जैसा है वो वही आप उसको परसीव करोगे. ये बॉटम अप अप्रोच बात करती है. अकॉर्डिंग टू इट सेंसेशन और परसेप्शन सेम बात है. जो सेंस करोगे वही तो परसीव करोगे. ठीक है, प्रोसेसिंग कैन बी अंडरस्टूड सोली इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल स्टिमुलस एंड दिस इज रेफर्ड एज इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ परसेप्शन, जो अभी हमने बात करी. ठीक है, इट वर्क्स लाइक वी एक्सपीरियंस सेंसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंट. जैसे मैंने कहा रिडक्शनिस्ट अप्रोच है ये, बिकॉज वी आर लुकिंग एट थिंग्स बाय डिवाइडिंग इट इन वेरियस वेरियस क्या बोलते हैं, बिट्स एंड पीसेस. लाइक
कैसे, मैंने बोला ना शेप कैसा है, कलर कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, और जो एग्जैक्टली जैसा है वैसा ही सेंस होगा और वैसा ही परसीव होगा. तो वी आर ब्रेकिंग द breaking it into element, breaking the information into elements. That is why we are calling it reductionism. ठीक है, तो जो भी information है वो as it is sense होगी, आंखों के through गई, retina पे गई, signal बना, transduce हुआ signal, electric impulse में convert हुआ, वहां से वो आपके brain में गया और visual cortex में जाके process हुआ और जो था वो ही आपको नजर आया. They are simply talking about this process, जिसको हमने breakdown कर दिया. That is bottom up approach. ठीक है, सो यू हैव सेंसरी इंफॉर्मेशन, योर बॉडी, योर माइंड इज रिस्पॉन्डिंग, ब्रेन इज रिस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंगली, एंड उसकी वजह से जो भी इंफॉर्मेशन थी उसकी वजह से देर विल बी सर्टन इमोशन, देर विल बी सर्टन हलचल इन योर ब्रेन, एंड योर ब्रेन थॉट्स एंड अदर थिंग्स विल गेट एक्टिवेटेड अकॉर्डिंगली. तो ये सब रियल टाइम में चल रहा है. ये क्लियर है कॉन्सेप्ट, जो एज इट इज एनवायरमेंट में है वही हम सेंस कर रहे हैं, वही हम परसीव कर रहे हैं. दैट इज बॉटम अप प्रोसेसिंग. ये क्लियर है? यस मैम. टॉप डाउन रिवर्स ऑफ दिस, इट डिपेंड्स हेयर, रिवर्स हो गई इंफॉर्मेशन. ठीक है, सो ग्रेगरी आर्ग्यूज दैट 90% ऑफ विजुअल इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट बाय टाइम. जो भी हम देख रहे हैं, विजुअली इंफॉर्मेशन लेते हैं, 90% वो कह रहे हैं लॉस्ट हो जाती है जब तक वो प्रोसेसिंग के लिए यहां पहुंचती है. ठीक है, सो दिस लीड्स टू क्रिएशन ऑफ परसेप्शन हाइपोथेसिस अबाउट द स्टिमुलस बेस्ड ऑन आवर मेमोरी एंड पास्ट एक्सपीरियंस. अब जब 90% इंफॉर्मेशन वो कह रहा है लॉस्ट हो जाती है, तो फिर भी हम कैसे प्रोसेस कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को? वो कह रहे हैं हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस और पास्ट मेमोरीज की वजह से उसको प्रोसेस कर पा रहे हैं. ठीक है, तो इट इज इंटरनल इन नेचर अकॉर्डिंग टू हिम, इंटरनली. तभी हम टॉप डाउन की बात कर रहे हैं, ब्रेन से इंफॉर्मेशन हेल्प कर रही है ऊपर से नीचे आने में, उसको प्रोसेस करने में. जैसे हमने पैटर्न रिकॉग्निशन में बात करी थी, राइट, जहां पे हम कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं. टॉप डाउन अप्रोच में कॉन्टेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट होता है ना. इन सेम इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, मुझे भी मिल रही है, बट अगर आपको कॉन्टेक्स्ट ही ना बताया जाए किस बारे में है वो, तो वो समझ नहीं आती. आपको याद है हमने एक प्रैक्टिस किया था पैराग्राफ, वो इट वाज अबाउट वॉशिंग क्लोथ्स, कॉन्टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस समझने के लिए. और जब तक मैंने आपको बताया नहीं दैट दिस पैराग्राफ इज अबाउट वॉशिंग क्लोथ्स, यू डिडंट गेट इट, राइट, इफ यू रिमेम्बर. याद है मैम? है ना, तो वहां पे क्या था, इट वॉज टॉप डाउन अप्रोच. यहाँ को जब आपको एक मैसेज मिला ना इधर की washing clothes के बारे में paragraph, then the whole paragraph made sense to you. Before that it was not making any sense. Information तो सारी थी आपके पास, but sense ही नहीं बन रहा था क्योंकि context नहीं पता था. तो context का भी बहुत important role हो जाता है top-down approach में. ठीक है, अब जैसे ये कुछ figures है यहाँ पे, अब ये कहने के लिए यहाँ पे number है 12, 13, 14, still we are being able to recognize ABC. Because of our past memory and experience, right? This word is missing here. It is lying flat. Still, we can recognize it as V. Again, because of our past knowledge and experience. So, it is about the top-down approach. Right? And there is one famous experiment, the Stroop effect, which we talk about. We again conduct in psychology labs. एंड आई गेस एप्स भी होते हैं, गेम्स के एप्स भी होते हैं, आपके फोन में भी होंगे. सो हेयर व्हाट हैपेंस, जैसे ये ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर से ही लिखा गया है. ठीक है, एंड हेयर द कलर इज रेड, मतलब इट इज रिटन रेड बट द कलर इज ग्रीन. और आपको जो कलर अपियर हो रहा है ना वो रीड करना है. दे विल आस्क यू टू रीड द कलर विच इज बींग अपियर. ओके, अभी मुझे फटाफट बताना हाँ, जो कलर दिख रहा है वो बोलना है आपको. हेयर ये कौन सा कलर है, जस्ट ट्राई टू फटाफट रीड दिस इन योर माइंड. अपने आप पढ़ो, चलो रो वन को पढ़ो फटाफट. और कलर वो बोलना है जो दिख रहा है, जो लिखा है वो नहीं, जो अपियर हो रहा है आंखों पे. ठीक है, वो कलर आपको पढ़ना है. रो ये, दिस इज फर्स्ट रो एंड देन शिफ्ट टू दिस रो.
डन ओके सो व्हाइल रीडिंग रो बी मतलब वाज पहली बात वाज देयर एनी डिफरेंस व्हाइल रीडिंग ए एंड बी बी वाज टेकिंग मोर टाइम बी वाज टेकिंग मोर टाइम व्हाई बिकॉज इट वॉज इनकॉन्ग्रुएंट ना लिखा ग्रीन है कलर रेड है लिखा रेड है कलर ग्रीन है इट वॉज टेकिंग मोर टाइम टू कॉम्प्रिहेंड यस मैम ठीक है लेकिन स्टिल वी वर बींग एबल टू कॉम्प्रिहेंड बिकॉज ऑफ टॉप डाउन अप्रोच ठीक है यहाँ पे टाइम लग रहा है सेकंड वाली जो हम लाइन रीड कर रहे हैं वहां पे टाइम भी लग रहा है और अगर अगर आपको ये कराया जाए ना वहां पे मिस्टेक्स भी होती हैं बिकॉज आपको जल्दी जल्दी रीड करना होता है तो एट टाइम्स बोलते बोलते फ्लो फ्लो में हम ग्रीन लिख पढ़ते हैं तो ग्रीन बोल जाते हैं रेदर देन सेइंग रेड ठीक है दैट इज टॉप डाउन प्रोसेसिंग हियर ओके So again, this is the whole overall bottom up are senses driven, rely on information from the senses, lower level of cognition involved, and we are organizing all the information which is being gathered from the environment. In the top down approach, it is schema driven, yani ki based on the previous storage, rely on knowledge and the experiences we have, high level of cognition is involved, and we are interpreting the information here. Okay, so bottom-up processing occurs when we sense basic features of stimuli and then we top-down processing occurs when previous experience and expectations are first viewed to recognize the stimulus. Purani cheezon se hum nayi cheez recognize kar rahe hain. Is it clear to everyone? Ye sabko samajh aaya hai? Yes. I guess with this, we are over with this part 2. My sustained attention is limited to 1:30 hours only. After that, you know, mind get exhausted. Yes, it happens. But these topics were simple. इसलिए I decided कि हाँ 2 घंटे थोड़ा इसको stretch कर लेते हैं. Otherwise, it will spread out throughout और खत्म नहीं होगा. We have more units to cover also. So we won't stretch जब बहुत कुछ मुश्किल topic होगा. जहाँ पे बिल्कुल ही गिव अप करने लगोगे आप सब लोग ठीक है तो आई लिसन टू यू मुझे यू कैन स्टॉप मी इन बिटवीन अगर जब बहुत ज्यादा लगे कोई चीज बट दीज कंसेप्ट्स वर वेरी सिंपल आई गेस मतलब मुझे लगा कि एक बार अगर जस्ट हम रन थ्रू बोल भी लेना तो भी यू विल गेट इट इन योर माइंड ठीक है तो थैंक यू सो मच फॉर द कोऑपरेशन Mom, is there any chance like this June exam will get extended or, you know, will get delayed? I'm not very sure, but abhi tak